Hello guys, welcome to Civil Joint. In this lecture, we will start a new series of art and culture. In this series, we will cover whole syllabus of art and culture, which is particularly useful for UPSC and generally useful for other competitive examinations. You can download this video from our website. The link has been given in description below. देखिए गाइज, इन लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आर्किटेक्चर, डिफरेंस क्या होता है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच में, क्लासिफिकेशन देखेंगे इंडियन आर्किटेक्चर का, इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसमें जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हुई है वो भी हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले गाइज आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसका मेजर सोर्स है, जो इस सीरीज का मेजर सोर्स है, जो जहाँ से लिया गया है वो नितिन सिंघानिया सर की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है उससे लिया गया है, और माइनर सोर्स है जो वो ऑनलाइन अदर साइट से लिया गया है। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड आर्किटेक्चर है वो लैटिन भाषा से आया है, लैटिन भाषा का एक वर्ड था टेक्टोन, उसका मीन्स होता है बिल्डर। ओके गाइस, स्कल्पचर जो वर्ड है वो प्रोटो इंडियन यूरोपियन रूट है केल, उससे आया है, उसका मन होता है मीन्स होता है टू कट और क्लीव। ओके, स्कल्पचर क्या होते हैं, स्मॉलर वर्क होते हैं आर्ट के और हाथ से बनाए होते हैं या किसी टूल से बनाए होते हैं, ठीक है, और रिलेटेड टू एस्थेटिक चीजों से रिलेटेड होते हैं, ब्यूटी की चीजों से रिलेटेड होते हैं ज्यादातर, और ना कि इंजीनियरिंग और मेजरमेंट से रिलेटेड। इंजीनियरिंग और मेजरमेंट रिलेटेड तो था आर्किटेक्चर का वर्क। ओके गाइस, तो डिफरेंस देख लेते हैं आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। साइज जो स्कोप होता है, आर्किटेक्चर के अंदर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है, और स्कल्पचर क्या होता है रिलेटिवली स्मॉल होते हैं और थ्री डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट होता है। ओके, मटेरियल जो यूज किए जाते हैं वो जनरली जो आर्किटेक्चर के अंदर मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल यूज किया जाता है, देखिए स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड, अलग अलग टाइप के मटेरियल को यूज किया जाता है एक आर्किटेक्चर बनाने में। ओके, और स्कल्पचर के अंदर क्या है, सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर के लिए यूजुअली क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल ही यूज किया जाता है, ठीक है, सिर्फ अगर ब्रोंज का स्टेच्यू बना रहे हैं तो ब्रोंज ही यूज किया जा रहा है, कॉपर का बना रहे हैं तो कॉपर ही यूज किया जा रहा है। ओके, प्रिंसिपल इसके देखिए क्या क्या होते हैं, इसके अंदर जो आर्किटेक्चर के अंदर होता है स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की स्टडी होती है, और रिक्वायर जरूरत होती है डिटेल्ड और एक्यूरेट मेजरमेंट की, इसके अंदर ये जरूरत नहीं होती ना कि ना एक्यूरेट और हेवीली एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत होती है ना ही इसकी जरूरत होती है, सिर्फ जरूरत होती है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की। ओके, इंडियन आर्किटेक्चर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एंशंट इंडिया का जो आर्किटेक्चर है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हरप्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता एज आर्ट, साउथ इंडियन आर्ट, इनको हम 1 by 1 कंप्लीट करेंगे। मिडिवल इंडिया के जो आर्किटेक्चर है वो उसको 2 पार्ट्स में, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आर्ट। देन मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्चर है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडो गोथिक स्टाइल एंड न्यू रोमन स्टाइल। हरप्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हरप्पन जो सिविलाइजेशन हुआ था वो इंडस जो रिवर है उसके बैंक पे किनारे पे हुआ था, और सेकेंड हाफ ऑफ द 3rd millennium BC में फ्लरिश हुआ था। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ओके गाइस, इससे जो सभ्यता है, ये जो सिविलाइजेशन, उसमें न्यूमेरस अलग अलग तरह के स्कल्पचर, सील, पोट्रीज, ज्वेलरीज फाउंड हुई है एक्सिबिशन साइट्स पे। हरप्पा जो कि रावी रिवर पे, और मोहनजोदाड़ो जो कि इंडस रिवर पे है, ये 2 मेजर साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन की। हरप्पन सिविलाइजेशन नाम इसलिए पड़ा इसको कि हरप्पा जो थी, जो फर्स्ट सिटी फाउंड की गई थी, इसी वजह से इसका हरप्पा नाम दिया गया है। ओके, ये अर्लीस्ट सिटी थी दोनों, और फाइनेस्ट एग्जाम्पल है अर्बन सिविक प्लानिंग के, मतलब जो ये सिविलाइजेशन था पूरा अर्बन सिविलाइजेशन था, ये रूरल सिविलाइजेशन नहीं था। ओके, इसलिए ये एग्जाम्पल है अर्बन सिविक प्लानिंग के, इसमें प्लैंड नेटवर्क है रोड्स का, पूरा हाउसेस है अच्छे से बने हुए, ड्रेनेज सिस्टम पूरा अच्छे से बना हुआ है, तो इससे ये शो होता है कि ये प्लानिंग और इंजीनियरिंग स्किल्स दिखाता है उस टाइम के लोगों की। ओके, तो इससे पता चलता है ये कि अर्बन लोग थे ये, ना कि रूरल लोग थे। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट साइट देख लेते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाइंड हुई है, और उस जगह पे क्या क्या फाइंडिंग्स हुई है। हरप्पा जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है, उधर 2 rows of 6 ग्रेनरीज जो अनभंडार होते हैं विद बिग प्लेटफॉर्म मिले हैं, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी। लिंगम देखिए उस टाइम पे भी अभी मिला है, तो कह सकते हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि शिव लिंग की, जिसके हम शिवलिंग की अभी पूजा करते हैं, वो इस टाइम से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। लिंगम और योनी के स्टोन सिंबल मिले, मदर गॉडेस का फिगर मिला है, वीट और बारले, गेहूं और जौ के अवशेष भी मिले हैं, डाइस मिले हैं, कॉपर स्केल एंड मिलर, कॉपर ब्लॉक कार्ट, स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग अ डियर इन ब्रॉन्ज मेटल, न्यू डांसिंग गर्ल ऑफ स्टोन।
देखिए गाइस ये याद रखें, न्यू डांसिंग गर्ल ऑफ स्टोन ये मिली है हरप्पा में, ओके। और एक है डांसिंग गर्ल, ये बहुत पूछा जाता है डांसिंग गर्ल, जो कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, ये मिला है मोहनजोदाड़ो में, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। रेड सैंड स्टोन मेल टोर्सो मिला, टोर्सो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का फिगर होता है, ह्यूमन बॉडी मतलब जो मेन बॉडी होती है उसका फिगर होता है, उसका हाथ मतलब हाथ पर नहीं होते, सिर्फ जो उसका चेस्ट और जो स्टमक का पार्ट होता है वो होता है, ओके। सिर्फ कह सकते हैं आप इतना पार्ट होता है जो बीच का होता है, वो उसको टोर्सो कहा जाता है। ओनली साइट विच यील्ड द एविडेंस ऑफ कॉफिन ब्यूरल, देखो हरप्पा साइट एक ऐसी साइट है जहां पर एविडेंस मिले हैं कॉफिन ब्यूरल के, ओके, कॉफिन के अंदर दफनाया जाता था। मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान में है, इधर एक ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट बाथ में क्या है, बर्न ब्रिक्स मतलब कि जो ईंटें वो पकी हुई यूज की गई है, मोर्टल का यूज किया गया है, जिप्सम का यूज किया गया है, और जो ग्रेट बाथ में उसके अंदर स्टोन का यूज नहीं किया गया है, याद रखिएगा स्टोन का यूज नहीं किया गया है। ग्रेट ग्रेनरी मिली है, जो अन्न भंडार मिला है यहाँ पर बड़ा। हरप्पा में सिक्स ग्रेनरीज की टू रो मिली है, और इसमें एक मिली है पर ग्रेट ग्रेनरी बड़ी सी मिली है बहुत, ओके। डांसिंग गर्ल का मैंने बता दिया, वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है ये। पोस्ट क्रेमेशन बुरियल के अवशेष मिले हैं कि पहले जलाया जाता था, फिर उसके बाद बुरियल कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था अवशेष को, ओके। स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट का स्कल्पचर मिला है, सील ऑफ पशुपति, ठीक है, पशुपति की सील मिली है। धोलावीरा ये गुजरात में है, इधर एक जाइंट वाटर रिजर्वर, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। थ्री डिविजन ऑफ सिटी, इसमें क्या थ्री डिवीजन ऑफ सिटी क्या, यूजुअली हम आगे देखेंगे गाइज, आगे के जो लेक्चर होंगे उसमें देखेंगे, यूजुअली जो हरप्पन साइट्स है उनमें टू डिवीजन ऑफ सिटीज है, चीतादल एंड लोअर सिटी, ओके। पर इसके अंदर ये एक यूनिक फीचर है जो इधर ही मिला है सिर्फ धोलावीरा में, इसमें थ्री डिवीजन है सिटीज का, ओके। वाटिंग हार्नेसिंग सिस्टम मिला है, स्टेडियम डैम्स एम्बार्कमेंट मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिली है, जो साइन बोर्ड है जिसके अंदर मतलब इंडस स्क्रिप्ट के अंदर उसके अंदर साइन बोर्ड है, वो वाली इंस्क्रिप्शन मिली है, ओके। नेक्स्ट देखिए लोथल, ये भी ये गुजरात में है, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। डॉकयार्ड बंदरगाह मिले, डबल ब्यूरियल मिले के अवशेष मिले हैं। रिस्क हस्क जो राइस हस्क, राइस जो चावल के जो छिलके होते हैं वो मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए राइस हस्क है जो दो जगह ही फाउंड हुए पूरे सिविलाइजेशन के अंदर, लोथल और रंगपुर में, ओके गाइस याद रखिएगा। फायर आइटर मिले हैं, पेंटेड जार, मॉडर्न डे चेस्ट, टेराकोटा फिगर, टेराकोटा कहते हैं गाइस, टेराकोटा क्या होती है, जो क्ले होती है उसको बर्न कर दिया जाता है, जला के जो चीज बनाई जाती है उसको टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा फिगर मिले हैं हॉर्स और शिप्स के। इंस्ट्रूमेंट मिले मेजरमेंट के जो 45, 90 और 180 डिग्री एंगल को मेजर कर सकते थे। ईरानियन सील्स मिले, याद रखें ईरानियन सील्स मिली है, तो इसका लिंक माना जाता है कि इसका डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक था मेसोपोटामिया जो कि अभी ईरान एंड इराक में है, ओके। बेसिकली इराक में थोड़ा सा पार्ट ईरान का कवर करती है, ओके गाइस। तो कहा जाता है कि ट्रेड लिंक था हमारा डायरेक्ट मेसोपोटामिया से, क्योंकि ईरानियन सील के अवशेष मिले लोथल में, मतलब ईरानियन सील्स मिली है। सर कोटेडा ये भी गुजरात में है, यहाँ पर फर्स्ट एक्चुअल रिमेन ऑफ हॉर्समोन्स मिले हैं, ओके, एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्समोन मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। और लोथल में क्या मिले, टेराकोटा फिगर मिले थे हॉर्स के। राखी गढ़ी ये हरियाणा में है, अभी लेटेस्टली अगर देखा जाए तो हिंदू की न्यूज के अकॉर्डिंग 2014 में ये आई थी न्यूज, बिगेस्ट हरप्पन साइट बना जा रहा है अब इसको, पहले मोहनजोदाड़ो थी पर अभी एज पर हिंदू इसको बिगेस्ट हरप्पन साइट कहा गया है, ओके। बनवली ये भी हरियाणा में, टॉय प्लग मिला है, जो प्लग मतलब जो हल होता है खेती करने का उसका टॉय मिला है, ओके, खिलौना मिला है, रियल प्लग नहीं मिला है। बार्ले ग्रेन जो मिला है, ओवल शेप सेटलमेंट ओनली सिटी विल रेडियल स्ट्रीट, ओके, रेडियल स्ट्रीट है, वैसे देखा जाए तो ग्रिड पैटर्न है यहाँ पर, हर आगे हम देखेंगे कि जो स्ट्रीट है वो हमेशा राइट एंगल में कट करती है, ओके, और ग्रिड पैटर्न है सिटी का। इसमें है रेडियल स्ट्रीट बनावली में, रेडियल स्ट्रीट मतलब ये बीच में एक ये है मतलब कि एक चौराया और यहाँ पर स्ट्रीट निकली हुई है, ओके गाइस। रोपर ये पंजाब में है, इसमें डॉग ब्रॉयड विथ ह्यूमन ओवल पिट, ओके, मतलब डॉग को ह्यूमन के साथ ही दफना दिया जाता है। ये देखिए इसकी इमेज है, ये डॉग है और ये मैन है।
कालीबंगन, कालीबंगन क्या है, ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पाया जाता है। कालीबंगन का मतलब है ब्लैक बेंगल्स, ओके, काली चूड़िया, ओके। यहाँ पर प्लग्ड फिल मिली, याद रखिएगा, खेती हुए हुए मतलब जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। इविडेंस ऑफ अर्लिएस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक, ओके, अर्थक्वेक के अर्लिएस्ट इविडेंस मिले हैं। यही रीजन माना जा रहा है कि ये सिटी इसलिए ही डिस्ट्रॉयड हुई, अर्थ के डिस्ट्रक्शन का रीजन इसको अर्थक्वेक को भी माना जाता है। फायर राइटर मिले हैं यहाँ पर, चार्जिंग बोल्ट, टाइड फ्लोर मिले हैं, ठीक है, जो फ्लोर है जो वो टाइल्ड है, ओके। टू काइंड ऑफ ब्यूरियल मिले हैं, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रेव्स मिली है, जो कब्र है वो सर्कुलर है और रेक्टेंगुलर है। बोन्स ऑफ कैमल, नो ड्रेनेज सिस्टम इन कालीबंगा, ठीक है, याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको मेजर हाईलाइट करके बताता हूँ। नो ड्रेनेज सिस्टम, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है कालीबंगा का। और जो ब्रिक्स है वो भी बेग्ड, जो अदर साइड में थी बेग्ड वन थी, मतलब पकी हुई जो ब्रिक्स थी कालीबंगा में पकी हुई नहीं है, ओके, मतलब जो ब्रिक्स है वो कच्ची है। तो ये भी एक डिफरेंस है कालीबंगा का जो अदर हरप्पन साइड से, ओके गाइस। आलमगीरपुर जो कि मेरठ और उत्तर प्रदेश में है, इसको ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ पर पॉटरी, प्लांट फॉसिल, एनिमल बोन्स, कॉपर टूल्स और इंप्रेशन मिले हैं, छाप मिली है कोद के एक गर्त के अंदर, ओके। सुक्ता जेंडोर जो भी पाकिस्तान में है, ये भी कहाँ है, दस्त रिवर पे, जो कि ईरान बॉर्डर पे है, दस्त रिवर वहाँ है ये, और मतलब दस्त रिवर के किनारे पे बसा हुआ है, जो कि नियर बिल्कुल ईरान बॉर्डर पे है, ओके। और इम्पोर्टेंट कोस्टल टाउन है, और कोस्टल टाउन, और भी कोस्टल टाउन के कौन थे, मैंने आपको पहले बताया, लोथल जो कि गुजरात में, और बालाकोट भी है जो एक कोस्टल टाउन है, वो पाकिस्तान में है, ओके गाइज। वेस्टर्न बॉर्डर माना जाता है इसको इंडस सिविलाइजेशन की, ओके। ईस्टर्न बॉर्डर किसको माना जाता है, आलमगीरपुर को जो कि उत्तर प्रदेश में, और सुक्ता जेंडोर को माना जाता है वेस्टर्न बॉर्डर, वो पाकिस्तान में है। चानू द्वारो ये भी पाकिस्तान में है। ओनली हरप्पन साइट विच डज नॉट हैव फोर्टिफाइड सिटाडेल, ओके। सिटाडेल जो है, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, सिटाडेल क्या होता है, अपर सिटी होती है, आप कह सकते हैं। सिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, पूरे सेटलमेंट को, एक होती है अपर सिटी, एक लोअर सिटी, ठीक है। अपर सिटी होती है उसको चीताडल कहा जाता था, चीताडल फोर्टिफाइड होता था, मतलब अच्छे तरीके से बना हुआ तो होता था। ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पर फोर्टिफाइड चीताडल नहीं है, ओके। इविडेंस ऑफ, यहाँ पर फैक्ट्रीज ऑफ वेरियस फिगर की फैक्ट्रीज मिली है, और सील्स, टॉयज, बोन इंप्लीमेंट की फैक्ट्रीज के इविडेंस मिले, तो कहा सकता है ये पूरा इंडस्ट्रियल टाउन था, इस वजह से यहाँ पर कोई फोर्टिफाइड सिटाडल नहीं था, ठीक है। तो कोई मतलब राजा या फिर कुछ हो गई नहीं, तो फिर वो फोर्टिफाइड क्यों करेगा अपने महल को, ओके, ये एक रीजन हम दे सकते हैं, ठीक है। आगे हम इस लेक्चर को गाइस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन को। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव ट्रीज एंड एनरिच योर सेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल जॉइंट। इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू आवर आर्ट एंड कल्चर सीरीज, वी विल कवर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। इन दिस लेक्चर यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट, द लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। आर्किटेक्चर इन हरप्पन सिविलाइजेशन, जो टाउन्स थे गाइज हरप्पन सिविलाइजेशन के, वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न बेस्ड थे। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न बेस्ड क्या होता है, देखिए गाइज, ये होती है ग्रिड, ठीक है, ये जो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रिड स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए रेक्टेंगुलर, ये देखिए एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगुलर है, और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर हो गया, ठीक है, ये है रेक्टेंगुलर और ग्रिड पैटर्न, ठीक है, ये होता है, ऐसा ऐसा सिस्टम होता था। और जो रोड्स होते थे वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन होते थे, और एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे। देखिए अगर रोड यहां से निकालूं मैं नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ रहा और ये साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, और ऐसे ईस्ट वेस्ट ये हो गया, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को इस डायरेक्शन में रोड जा रहे हैं और एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, ये कट कर रहे हैं, और ये देखिए ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, ये देखिए और ये देखिए, ये राइट एंगल बन गया, ऐसे यहां देखिए ये और ये राइट एंगल बन रहा है ना पूरा, ये और ये राइट एंगल हो गया, ठीक है, राइट एंगल पे एक दूसरे को कट कर देते हैं। ग्रिड पैटर्न था, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में जो रोड और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रोड जाते थे, राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करते, ओके। जो बिल्डिंग्स होती थी, मेनली थ्री टाइप्स की बिल्डिंग है इस सिविलाइजेशन में, ड्वेलिंग हाउस जब पब्लिक रहती थी, और पब्लिक बिल्डिंग जो कि सबके लिए होती थी, और पब्लिक बाथ, ठीक है, जो बाथ
पब्लिक एक साथ लेती थी। पब्लिक बाथ इंडिकेट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक क्लींजिंग। ओके, एक रिचुअल होता होगा उस टाइम पे ये पब्लिक बाथ लिया करते होंगे। ओके, हरप्पन जो है उन्होंने बर्न मड ब्रिक्स यूज करी। जो ईटे थी वो मड की होती थी और बर्न होती थी, मतलब पकी हुई ईटे होती थी, ठीक है, स्टैंडर्ड डायमेंशन होता था और चिपकाने के लिए यूज करते थे जिप्सन मोटर। ओके, और ग्रेट बाथ है जो कि मोहन जोदाड़ो में है। ये देखिए इमेज है ग्रेट बाथ की, ये मोहन जोदाड़ो में है, ठीक है। इसमें ना ही कोई क्रैक है ना ही कोई लीक है, ठीक है। और ये क्या शो करता है, उस टाइम के लोगों की इंजीनियरिंग कुशलता, जो इतनी अच्छी कुशलता थी उनके अंदर, माहिरता थी, वो शो करता है, ठीक है। ये देखिए उस टाइम का ये ग्रेट बाथ है और इसमें ना ही कोई क्रैक है ना ही कोई लीक मिला है। ओके, मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था सिविलाइजेशन का एडवांस ड्रेनिंग सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत एडवांस था। जो स्मॉल ड्रेन्स होते हैं, जो हाउस से निकलते हैं, तो डायरेक्टली कनेक्टेड थे लार्ज ड्रेन से, जो कि रन होता था पैरेलल किसके, मेन रोड के। ओके गाइस, और जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड होते थे, लूजली कवर्ड होते थे। क्यों लूजली कवर्ड होते थे, क्योंकि उनको बार बार खोलना पड़ता था, क्यों, रेगुलर क्लींजिंग और मेंटेनेंस के लिए, और चेस्ट पिट से बंद होते थे। ओके, अभी के टाइम में आप देखेंगे चेस्ट पिट से हम बंद करते हैं और उनको रेगुलर क्लीन करते हैं, तो ये अर्बन सेटलमेंट था। ओके, सिटी जो होती थी वो डिवाइड होती थी टू पार्ट्स में, अपर रेस्ड सिटी जिसको चीटाडेल कहा जाता था, और एक लोअर सिटी, ठीक है। ये डायग्राम में देखिए, ये जो है अपर सिटी है जिसको चीटाडेल कहा जाता है, और ये लोअर टाउन है, ठीक है। ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता था। जो अपरेस्ड सिटाडेल होता है वो वेस्टर्न पार्ट में होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ये वेस्ट में है और ये है ईस्ट में। ओके, स्मॉल एरिया होता था, देखिए लोअर टाउन के कंपैरिजन में स्मॉल एरिया है इसका। और बिल्डिंग जो होती थी लार्ज डायमेंशन की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी यहाँ पर, सच ग्रेनरीज होती थी जिसमें जो अन्न को जो स्टोर करके रखा जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पिलर्ड और कोर्टयार्ड होते थे। कुछ बिल्डिंग माना जाता है कि रूलर और एस्ट्रोकेट्स थे जो उस टाइम के, उनसे बिलोंग करती थी, वो इस एरिया में रहते थे चीटाडल में, ठीक है। और जो ग्रेनरीज है जो वहाँ होती थी उसमें एयर डक्ट की फैसिलिटीज पाई गई है, और रेस्ट प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी जिससे कीड़े वगैरह उसमें नहीं लगे, और एयर की फैसिलिटी भी होती थी जिससे जो अन है वो सड़े नहीं या खराब ना हो। लोअर सिटी देखिए, ये है लोअर सिटी, ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट में है और लार्ज एरिया है, देखिए कंपेयर टू चीटाडेल लार्ज एरिया है इसका, और इसमें स्मॉल बिल्डिंग होती। चीटाडेल में बिल्डिंग्स लार्ज होती थी, इसमें होती है स्मॉल बिल्डिंग्स। ओके, नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए। ओके, जो इसमें इस वन रूम्ड जो कंस्ट्रक्शन भी पाए गए, जो कितने इसमें वन रूम के कंस्ट्रक्शन भी मिले, जो माना जाता है कि जो वर्किंग क्लास पीपल होते थे उनके क्वार्टर्स होते थे। ओके, और कुछ हाउस में स्टेयर्स भी मिली है, सीढ़ी में मिली है, तो इसके माना जा रहा है कि कुछ हाउस डबल इमारत के थे, मतलब डबल इमारतें थी, मतलब कि दो मंजिला घर थे, डबल स्टोरेज। ओके, और मोस्ट बिल्डिंग के जो होते थे उनमें प्राइवेट वेल होते थे, खुद के कुएं होते थे, और बाथरूम खुद का पर्सनल होता था हर बिल्डिंग का। ओके, और प्रॉपरली वेंटिलेटेड थे। ये स्केच डायग्राम है चीटाडेल और लोअर हाउस का। चीटाडेल देखिए अपर एरिया में मतलब एक प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था चीटाडेल, देखिए अपर, ये चीटाडेल है और ये लोअर सिटी है, मतलब जो चीटाडेल बसा हुआ है ये एक अपर प्लेटफॉर्म पर है, मतलब एक अप प्लेटफॉर्म पर है, ऊंचे एरिया में बसा हुआ है, लोअर टाउन उसके नीचे वाले एरिया में होता था। स्कल्पचर देख लेते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के। हरप्पन सिविलाइजेशन के जो स्कल्पचर है वो है थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम जो होता है उन स्कल्पचर का, थ्री डायमेंशनल होता है, थ्री डी स्कल्पचर होते हैं। और जो फाउंड गए हैं वो किस रूप में मिले, सील्स में मिले हमें, ब्रॉन्ज फिगर और पोर्ट्रेट्स के रूप में मिले। सील्स देख लेते हैं, जो मोस्ट सील्स मिली है हमें हरप्पन टाइम की वो स्क्वायर शेप में मिली है, पर ज़्यादातर स्क्वायर शेप में मिली है, पर ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सील्स भी हमें वहाँ मिली है। स्टेटाइट जो होता था, ज़्यादातर सील्स बनाई जाती थी स्टेटाइट से, ठीक है, पर ऐसा नहीं है और सीले भी नहीं मिले, एगेटाइट चैट कॉपर फेंस टेराकोटा गोल्ड और आइवरी से बनी हुई भी सील्स हमें मिली है। ओके, जो इंस्क्रिप्शन जो होती थी, मतलब जो सील होती थी उन पे इंस्क्रिप्शन होती थी, उसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में होती थी, वो पिक्चर के साथ एक स्क्रिप्ट होती थी, ठीक है, जिसको अभी डेसिपर नहीं किया गया, अभी तक समझा नहीं जाया जा सका है, ठीक है। और जो ये स्क्रिप्ट है वो लिखी होती थी राइट टू लेफ्ट में। ओके, राइट से लेफ्ट में लिखते थे, मतलब यहाँ से यहाँ, ओके, इस डायरेक्शन में होती थी, राइट टू लेफ्ट में।
एनिमल इंप्रेशन मिलता है सेल पे, और जनरली 5 एनिमल्स को एक साथ यूज किया जाता है। जो नॉर्मली जो एनिमल्स यूज किए जाते थे सेल्स में, वो देखिए यूनिकॉर्न है जो एक अभी तक माना जाता है मिथिकल एनिमल क्योंकि इसके कोई अवशेष नहीं मिला है, हम्प्ड बुल, राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, बसन, गोट, ईटीसी, ये सब एनिमल्स की हमें सील मिली है। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ काउ, काउ के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम में, उस पर कोई सील नहीं मिली है। डिजाइन कैसा होता था सील का, देखिए डिजाइन होता था जो एक साइड तो एनिमल या ह्यूमन फिगर होता था और सेकंड साइड जो उसके अपोजिट साइड होती थी उस पर इंस्क्रिप्शन होती थी, या तो ऐसा होता था या फिर क्या होता था दोनों साइड पे ही इंस्क्रिप्शन बना दी जाती थी, ओके इंस्क्रिप्शन लिख दी जाती थी, और एक डिजाइन होता था कि थर्ड साइड पे भी इंस्क्रिप्शन होती थी। और प्राइमरी जो यूज होता था सील का वो होता है कमर्शियल पर्पस, ओके। पर कुछ सील्स में हमें होल जो डेड बॉडी हमें मिली है उनमें जो उनके जो गले में सील मिली, जो सील्स मिली है उनमें होल भी मिला है, ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि वो एज अ एम्युलेट उसको यूज करते थे सील्स को, एज अ ताबीज, एम्युलेट मतलब ताबीज होता है, या फिर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता था, या पर्सन की आइडेंटिफाइड कैसी हो, जैसे हम अभी आधार कार्ड रखते हैं ना हमारी आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाता है, या आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, वैसे ही वो सील उसकी आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ होती होगी, ठीक है। दोनों ही अजम्पशन बोली जाती है, मतलब अजम्पशन लगाई जाती है, तो एम्युलेट भी हो सकता है या फिर आइडेंटिफिकेशन पर्पस से भी हो सकता है। मैथमेटिकल इमेजेस मिली है हमें सील्स के ऊपर, जिससे हम कहा जा सकता है कि एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाती है। ये देखिए एक सील है, पशुपति सील है, जो पशुपति महाराज की सील है, ये मोहनजोदड़ो मिली है, स्टेटाइट से बनाई गई है, ये ह्यूमन फिगर और एक डेटी जिसको पशुपति हम कहते हैं वो सीट बैठे हुए क्रॉस लेग करके, ठीक है, इमेज में डिपिक्ट हो रखे, ठीक है, ये क्रॉस लेग करके बैठे हुए हैं, और थ्री हॉर्न हेडगेयर, एक ताज पहन रखा है जिसकी तीन सिंग है, ठीक है, एक दो तीन, और सराउंडेड बाय एनिमल, एनिमल से सराउंडेड है, एलिफेंट और टाइगर उनके राइट साइड में, देखिए ये एलिफेंट रहा और ये टाइगर इनके राइट साइड में है, और राइनोसोरस और बफेलो उनके लेफ्ट साइड में है, ये राइनोसोरस और बफेलो उनके लेफ्ट साइड में है। टू एंटोलप, एंटोलप मतलब कह सकते हैं आप लोग हिरन, ठीक है, वो है मतलब जो उनकी सीट है उनके नीचे टू हिरन से, ये सील जो है हमें ऐसी ही मिली है, ब्रोकन सील ही मिली है, तो यहाँ पर एक और एंटोलोप है। नेक्स्ट देखिए यूनिकॉर्न सील है, ये भी मोहनजोदड़ो में मिली है, स्टेटाइट से ही बनी हुई ये, और इसके ऊपर जो टॉप में है 4 पिक्टोग्राफ देखे गए हैं जिनको अभी डिसिपर्ट नहीं किया गया है, मतलब समझा नहीं जा सका है, ठीक है। उसके नीचे एक यूनिकॉर्न फिगर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है, पर ये एक या रियल है मिथिकल एनिमल अभी तक अननाउन है, वैसे देखा जाए तो मिथिकल एनिमल है, इसके कोई प्रूफ नहीं मिले है ऐसा कोई जानवर होता है, ठीक है। इसके नीचे बीनीथ में एक सेक्रेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, एक सेक्रेट ऑब्जेक्ट है, ये भी याद रखिए दोनों ही सील मोहनजोदड़ो में मिली है। ओके गाइज, नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे पोट्री और सील हो गया, सील के बाद देखिए क्या रह गया है, सील पोट्री हो गई, ब्रॉन्ज फिगर जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन में मिला है, और टेराकोटास फिगर, ठीक है, टेराकोटास, ब्रॉन्ज फिगर एंड पोट्री ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव ट्रीच एंड इनरिच योरसेल्फ। हेलो गाइज, वेलकम टू सिविल जॉइंट, इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू आवर आर्ट एंड कल्चर सीरीज, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट, द लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। गाइज, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके गाइज, स्कल्पचर के अंदर हमने सेज जो होती है वो कंप्लीट कर ली थी, और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज ब्रॉन्ज फिगर, टेराकोटा, पोट्री एंड ऑर्नामेंट जो कि स्कल्पचर का ही पार्ट है वो कवर करेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन का। ओके गाइज, ब्रॉन्ज फिगर, देखिए गाइज ब्रॉन्ज फिगर क्या होते हैं, ब्रॉन्ज फिगर क्या है जानते हैं, ब्रॉन्ज से जो बने हुए फिगर होते हैं ब्रॉन्ज फिगर होते हैं, जो हरप्पन सभ्यता में इसका वाइड स्केल में प्रैक्टिस की गई ब्रॉन्ज कास्टिंग की। ओके, बहुत ही वाइड स्केल में बनाए गए, और क्या टेक्निक यूज की जाती थी उसको बनाने के लिए, लॉस्ट वैक्स टेक्निक जिसको सायर परड्यू के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंच के अंदर, फ्रेंच में इसको सायर परड्यू कहा जाता है, वैसे इसका नाम है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ओके, इसके अंदर क्या होता था गाइस, एक वैक्स फिगर बनाया जाता था, उसको फिर कोट कर दिया जाता था वेट क्ले से। ओके, फिर उस क्ले को सुखा दिया जाता था, देन उसको हीट किया जाता था, हीट होने से जो वैक्स होती थी वो मेल्ट हो जाती थी,
और जो कोट हो रखा है उसके ऊपर किलेगा, उसमें एक टाइनी होल करके उसको सारी वैक्स को बाहर निकाल दिया जाता था, मेल्ट वैक्स को। देन क्या होता था, जो लिक्विड मेटल था उसके अंदर फिल कर दिया जाता था, फिर देन उसको कूल होने दिया जाता था, जिससे वो सॉलिडिफाइड हो जाता था, सॉलिड हो जाता था। देन जो कोट है क्ले का वो उसको रिमूव कर दिया जाता था, उससे क्या होता था जो मेटल फिगर है वो जो वैक्स बनकर तैयार हो जाता था एक वैक्स के शेप का, जिस वैक्स की स्टेच्यू हमने बनाया था, वैक्स से जो स्टेच्यू बनाया था उसी शेप का मेटल फिगर तैयार हो जाता था। ओके गाइस, और इवन नाउ अभी भी देखा जाता है कि ये टेक्निक हमारे कंट्री के कई पार्ट्स में प्रैक्टिस की जाती है। ओके गाइस, इसके एग्जांपल है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो में मिली है, और ब्रॉन्ज बुल ऑफ कालीबंगा में मिला है, वो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। ओके गाइस, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल का स्टेच्यू वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। ओके, मोहनजोदड़ो में मिला था ये। नेक्ट गर्ल है ये एक, जो सिर्फ उसने ऑर्नामेंट्स पहन रखे है। ओके, उसने अपने लेफ्ट हैंड में, जो उसकी लेफ्ट आर्म है उसमें बैंगल्स चूड़ियां पहन रखी है, और जो राइट आर्म है उसमें उसने एमुलेट, एक ताबीज और एक ब्रेसलेट पहन रखा है। ओके, ये स्टैंड है त्रिबंगा डांसिंग पोस्चर में स्टैंड है, और उसका राइट हैंड उसके हिप पर है। ओके गाइस, ये देखिए, ये इसकी हो गई ये बैंगल्स, ये आमलेट और ब्रेसलेट। ओके, और त्रिभंगा पोजीशन में स्टैंड है। ओके गाइस, और त्रिभंगा पोजीशन देख लेते हैं क्या होता है त्रिभंगा पोजीशन में। इसमें थ्री बैंड्स, ठीक है, बॉडी को थ्री बैंड्स में ब्रेक कर दिया जाता है, एक नेक पे, एक वेस्ट पे और एक नी पे। ओके, इससे क्या होता है, बॉडी जो होती है अपोजिटली कर्व हो जाती है, एस शेप बना लेती है वेस्ट को और नेक को कर्व करते हुए। ओके, और ये ज्यादातर ओडिसी जो डांस है, ओडिशा का डांस है जो ओडिसी, उसमें परफॉर्म किया जाता है। ओके गाइस, टेराकोटा देखिए, टेराकोटा क्या होते हैं, जो भी आइटम जो फायर बैक्ड क्ले होती है उससे बनाया जाता है, और उसको स्कल्पचर बनाने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, उसको टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, फायर बैक्ड क्ले, जो पकी हुई क्ले, मतलब पका दी जाती जो क्ले को, उससे जो स्कल्पचर बनाया जाता है उसको टेराकोटा कहा जाता है। अनलाइक ब्रॉन्ज फिगर, जो टेराकोटाज है वो लेस नंबर में मिले हैं, ब्रॉन्ज फिगर इंडस सिविलाइजेशन में, जो हरप्पन सिविलाइजेशन उसमें ज्यादा नंबर में है। ओके, और इसको बनाया जाता था पिंचिंग मेथड से। पिंचिंग मेथड गाइस क्या होता है, जो क्ले होती है उसको थंब से, अंगूठे से पिंच करके दबा दबा के स्कल्पचर बनाए जाते थे, टेराकोटा बनाए जाते थे। ओके गाइस, मेन साइट कहाँ का है, गुजरात और कालीबंगन, कालीबंगन बताया मैंने राजस्थान में है। ठीक है, वो यहाँ पर टेराकोटा ज्यादा मिले। ओके गाइस, और जनरली क्या होते थे, टॉयज बनाए जाते थे, एनिमल फिगर, मिनिएचर कार्ड्स, कार्ड जो होते घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं आप, व्हील्स, पहिए बनाए जाते थे। ओके, एग्जांपल है मदर गॉडेस, मार्क्स ऑफ हॉर्न डेटी। ओके, मार्क मदर गॉडेस, ये देखिए, ये स्टेच्यू है जो मदर गॉडेस का है, ये इंडस साइट्स की, जो इंडस साइट्स है बहुत ही, मतलब इंडस साइट्स के अलग अलग जो साइट्स है उधर मिली है, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर साइट पे नहीं है, बहुत सी साइट्स पे मिली है। मदर गॉडेस का स्टेच्यू जो टेराकोटा है वो बहुत साइट्स पे मिला है। और एक ये क्रूड फिगर है, क्रूड फिगर मतलब एक शार्प फिगर नहीं है, एक इसमें मतलब स्पेशलाइज नहीं है, एक क्रूड फिगर है, मतलब उकड़ खाबड़ है। ठीक है, और एक ये फीमेल है जिसने नेकलेस पहन रखे है बहुत सारे, और वो है नेकलेस उनके ब्रेस्ट पे हैंग हो रहे है। ओके जी, और जो उन्होंने वे लोइन क्लोथ पहन रखा है, लोइन क्लोथ क्या होता है गाइस, आपने देखा होगा टार्जन मूवी, टार्जन में देखा होगा, जो टार्जन पहन के रखता है अंडरगारमेंट्स जो होता है उसका, वो उस टाइप का जो क्लोथ होता है उसको लोइन क्लोथ कहते हैं, बहुत सी ट्राइब अभी भी पहनती है। ठीक है, गेडल भी एक तरह का वुमेन क्लोथ होता है जो उनके ब्रेस्ट से लेकर वेस्ट को कवर करता है। ओके, एक फैन शेप्ड हेडगेयर पहन रखा है इन्होंने, ठीक है, एक ताज पहन रखा है फैन शेप्ड। ओके, ये नेकलेस है, ये जो है देखिए, ये इन्होंने पहन रखा है गेडल यहाँ से यहाँ तक का, और लोइन क्लोथ ये है नीचे, ये लोइन क्लोथ है। नेक्स्ट देखिए पॉटरी, जो हरप्पन सभ्यता की या हरप्पन सिविलाइजेशन की जो पॉटरी थी उसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्लेन पॉटरी एंड पेंटेड पॉटरी। पेंटेड पॉटरी जिसको रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी कहा जाता है, क्वेश्चन आता है रेड एंड ब्लैक पॉटरी किससे एसोसिएटेड, तो हरप्पन सिविलाइजेशन से या इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ओके गाइस, रेड एंड ब्लैक पॉटरी देख लेते हैं, प्लेन तो सिंपल ही होती है, रेड कलर जो होता था बैकग्राउंड के लिए यूज किया जाता था। ओके, और जो ग्लोसी ब्लैक कलर था उसको यूज किया जाता है डिजाइन और फिगर बनाने के लिए रेड बैकग्राउंड के ऊपर। ओके गाइस, थीम क्या होती थी इसकी, ट्रीज, बर्ड, एनिमल फिगर और जियोमेट्रिकल पैटर्न। ओके, ये देखिए, ये रेड एंड ब्लैक पॉटरी है,
पूरे बैकग्राउंड में रेड कलर है और ये डिजाइन बना हुआ है, जो ये डिजाइन देखिए, डिजाइन जो बना हुआ है ये ब्लैक कलर का है। ओके गाइस, हरप्पन जो पेंटेड पोएट्री है वो ज्यादातर मोनोक्रोम है। मोनोक्रोम मतलब एक ही कलर, ज्यादा कलर यूज नहीं किए जाते थे, ठीक है। और जो पॉलीक्रोम पोएट्री है वो मिली है पर बहुत रेयर है, ठीक है, कम है। डिफरेंट जो जिसमें ज्यादातर कलर यूज किए जाते हैं, ज्यादा कलर यूज किए जाते हैं, उस टाइप की पोएट्री कम है हरप्पन सिविलाइजेशन में। ओके, और स्मॉल वेसल, छोटे छोटे जो पोएट्री है वो ही बनाए गए हैं पॉलीक्रोम के अंदर, और रेड ब्लैक ग्रीन कलर यूज किया गया। तो अगर क्वेश्चन आए कि सिर्फ ओनली मोनोक्रोम है, नहीं, ओनली मोनोक्रोम नहीं है, पॉलीक्रोम पोएट्री भी है पर रेयर है, ओके, कम है। और हैंडल्स भी रेयर है, जो हरप्पन की पोटरी है उसमें भी हैंडल्स नहीं होते, ठीक है, बिना हैंडल्स के मिलेगी। और जो स्पाउट है, स्पाउट भी रेयर है इसके अंदर। स्पाउट क्या होता है, जैसे कि एक पोटरी है उसमें जो, जैसे कि एक नली जो कहते हैं हम, ठीक है, सुराई जो होती है उसमें प्योर करने के लिए, जो भी लिक्विड होता है उसको प्योर करने के लिए, वो कम है। स्पाउट्स मतलब नली नहीं है। ओके, पोट्री जो होती थी वो थ्री मेन पर्पस होते थे उसके यूज करने के लिए। जो प्लेन पोट्री है उसको हाउस होल्ड पर्पस में यूज किया जाता था। मिनिएचर वेसल्स है, जो छोटे बर्तन वगैरह होते थे, उनको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता था। और कुछ पोट्री है जो परफोरेटेड है, ठीक है, परफोरेटेड पोट्री देखे गए जिसके अंदर इसमें होल्स होते थे, ठीक है, इसमें एक लार्ज होल होता था बॉटम में और एक स्मॉल होल होते थे उसकी सारी साइड पे, ठीक है। कहा जाता है कि इस, माना जाता है ये जो स्ट्रेनिंग लिकर, लिकर को पोर करने के लिए, ठीक है, भरने के लिए या किसी को सर्व करने के लिए यूज की जाती थी। ऑर्नामेंट्स देखते गए, ऑर्नामेंट्स में जो हरप्पन थे उन्होंने लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज करे, फ्रॉम प्रीशियस में देख लिया, गोल्ड एंड सिल्वर से लेकर इन्होंने जेमस्टोन, बोन्स, इवन बेक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी भी यूज करी इन्होंने, क्ले भी यूज किया ऑर्नामेंट बनाने के लिए। ओके गाइस, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने ज्वेलरी मेकिंग क्राफ्ट ये टेक्निक यूज करी थी ज्वेलरी मेकिंग की। ओके, इन्होंने ही ज्वेलरी मेकिंग स्टार्ट की थी सबसे पहले बनाना। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जो बहुत मेन और वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट पहनते थे, गेडल, इयररिंग और एंकलेट होती है पायल, वो सिर्फ वुमेन पहनती थी, ठीक है गाइस। और जो बीट्स क्या होते गाइस, स्मॉल स्टोन होते हैं जिनके अंदर एक होल होता है, ठीक है, जैसे कि एक स्टोन है उसके बीच में एक होल होगा, ठीक है, आप इससे माला बना सकते हैं उस टाइप से, ठीक है। कार्नेलियन, एमेथिस्ट, क्वार्ट्ज और शेटाइट यूज किए गए बीट्स बनाने के लिए, क्वाइट पॉपुलर थे और लार्ज नंबर में मिले हैं, ठीक है। हम इससे हमें पता कहाँ पता लगा हमसे कि लार्ज नंबर में, इसकी बनाने की फैक्ट्रीज मिली है हमें चानुधारो और लोथल में, बीट्स बनाने की फैक्ट्रीज हमें मिली है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है, बीट्स की फैक्ट्रीज कहाँ मिली है, चानुधारो में और लोथल में। चानुधारो बताया था मैंने पाकिस्तान में, और लोथल कहाँ है, गुजरात में। ओके गाइस, और हरप्पन जो फैब्रिक यूज करते थे कॉटन और वूल यूज करते थे। ओके, याद रखिएगा, जो और ये अवेयर थे फैशन के लिए, ठीक है, कॉन्शियस थे फैशन के लिए, डिफरेंट स्टाइल ऑफ हेयर और बियर्ड, ठीक है, दाढ़ी और बाल बनाने के अलग अलग स्टाइल मिले, ठीक है। ये देख लीजिए स्टैच्यू में क्या स्टाइलिश दाढ़ी, मस्त दाढ़ी इसने एक बना रखी है, मतलब ऐसा लग रहा है अभी के जमाने की जो बियर्ड फैशन चल रहा है, ठीक है, जो बियर्ड फैशन चल रहा है वो इस जमाने का है, वो लग रहा है कि यहीं से आया है, ठीक है। देखिए बियर्डेड प्रीस्ट का स्टैच्यू ही है, ठीक है, जो मोहन जोदाड़ो में फाउंड हुआ, ठीक है, इसने एक शॉल पूरी इसमें शॉल लिपटी हुई है, और ट्रिफॉइल पैटर्न, ट्रिफॉइल पैटर्न का होता है गाइस, एक फॉइल सॉरी फ्लावर के जिसके थ्री लीफ होती है, ठीक है, ये देखिए थ्री लीफ फ्लावर है। ओके गाइस, इसको कहते हैं ट्रिफॉइल पैटर्न। देन इसकी आईज है जो एलोंगेटेड एंड हाफ क्लोज्ड है, ठीक है, इसको कहते हैं मेडिटेशन पोजिशन में है ये, और एक आमलेट पहन रखा है, आम पे जो ताबीज होता है उसको आमलेट कहते हैं राइट हैंड में, और प्लेन वुमेन फिलेट क्या होता है गाइस, हेयर बैंड, ठीक है, हेयर बैंड को फिलेट कहा जाता है, इन्होंने सर पे बांध रखा है, ठीक है, ये देखिए ये रहा हेयर बैंड, ठीक है, और ये आमलेट हो गया, और वुमेन है, ठीक है, वुमेन मतलब बुना हुआ। तो गाइज हम कह सकते हैं कि जो हरप्पन सभ्यता के जो आर्टिशन और स्कल्पचर थे उन्होंने बहुत ही प्रोग्रेस की आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में बनाने में, एक जॉइंट स्ट्राइड लिया इन्होंने, और साइंटिफिक सिटी प्लेन से लेकर जो आर्टिस्टिक फिगर इन्होंने बनाए, और कहां से आ सकता है कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन है हमारा हरप्पन सभ्यता का, इन्होंने हमारे लिए एक लेगेसी छोड़ दी है स्किल एंड क्राफ्टमैनशिप की। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, इस लेक्चर में इतना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे
मौर्यन एम्पायर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर. सेव टाइम, सेव ट्रीज एंड एनरिच योरसेल्फ. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का सिविल ज्वाइंट पे. गाइज, हमने लास्ट जो 3 लेक्चर है आर्ट एंड कल्चर सीरीज के, उसमें हरप्पन सिविलाइजेशन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कवर कर लिया है. इस लेक्चर के अंदर हम मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर कवर करेंगे. उसके पैलेसेस, पिलर एंड स्तूपा को इस लेक्चर में हम देखेंगे. यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट, द लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो. मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गाइज देखिए, जैनिज और बुद्धिज्म के एडवेंस से क्या हुआ, जो रिलीजियस और सोशल स्नेरियो था गंगेटिक वैली का, उसमें चेंजेस आना चालू हो गए. और जो जैनिज और बुद्धिज्म थे वो पार्ट थे शरमाना ट्रेडिशन के, जो कि 4th century BC से चल रहा था. शरमाना मूवमेंट, गाइज, एक नॉन वैदिक मूवमेंट है जो पैरेलल चल रहा था वैदिक हिंदुइज्म के. और शरमाना ट्रेडिशन ने ही बर्थ दिया जैनिज, बुद्धिज्म एंड योगा को, ठीक है. और यही रिस्पॉन्सिबल है बर्थ ऑफ कंसेप्ट ऑफ संसारा एंड कंसेप्ट ऑफ मोक्षा. कंसेप्ट ऑफ संसारा है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड कंसेप्ट ऑफ मोक्षा है लिबरेशन फ्रॉम डेथ साइकिल. साइकिल कौन सी? बर्थ एंड डेथ की. जो दोनों जैनिज और बुद्धिस्ट थे, ये दोनों ही वर्ण और जाति सिस्टम के अगेंस्ट थे जो कि वैदिक ऐसे चल रही थी. और इनको क्षत्रिय रूलर का पेट्रोनेज मिला. क्यों पेट्रोनेज मिला? क्योंकि क्षत्रिय रूलर जो थे वो परेशान हो चुके थे ब्राह्मणिकल सुप्रेमेसी से, तो इन्होंने बौद्धिज्म और जैनिज धर्म को सपोर्ट किया. मॉडर्न आर्ट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट. कोर्ट आर्ट हम देखें जो कि रूलर्स के थ्रू जो बनाई गई थी वो आर्ट, और पॉपुलर आर्ट जो कि नॉर्मल पर्सन्स के थ्रू स्टार्ट की गई थी. कोर्ट आर्ट को हम पैलेस, पिलर एंड स्तूपा 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एंड पॉपुलर आर्ट जो कि इंडिविजुअल आर्ट भी कहा जाता है उसको हम केव्स, पोट्री एंड स्कल्पचर में डिवाइड करते हैं. इस लेक्चर के अंदर हम कोर्ट आर्ट देखेंगे जो कि पैलेस, पिलर एंड स्तूपा में डिवाइडेड है. कोर्ट आर्ट बेसिकली मॉडर्न रूलर्स जो थे उन्होंने स्टार्ट की थी. रीजन थे पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन थे आर्ट को एस्टेब्लिश करने के. देखिए गाइस, पैलेसेस देखते हैं. मॉडर्न एम्पायर जो था फर्स्ट पावरफुल एम्पायर था इंडिया का. इसकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, और वहां पर भी एक पैलेस था, बहुत ही बड़ा पैलेस था, स्प्लेंडर पैलेस था. और एक पैलेस है कुम्भराहर में, वहां पर भी एक पैलेस है जो कि बहुत ही स्प्लेंडर था. ये दोनों ही रिफ्लेक्ट करते हैं भव्यता, शो करते हैं इस एम्पायर की. स्प्लेंडर मतलब भव्यता, भव्यता शो करते हैं दोनों ही पैलेस इस एम्पायर की. जो चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस था वो इंस्पायर्ड है अकेमेनिड पैलेस, अकेमेनिड जो कि ईरानियन एम्पायर था, ठीक है, ईरान का एम्पायर है, जो कि पर्स पॉलिस में एक पैलेस बना हुआ है अकेमेनिड का, वहां से इंस्पायर था. वुड जो है प्रिंसिपल मटेरियल है जो कि यूज किया गया है मौर्यन एम्पायर के पैलेसेस में, ठीक है गाइस. जो पैलेसेस है वो किससे बने हैं? वुड से बने हैं. इसी वजह से जो रिमेन्स मिले हमें, या तो मिले नहीं है जो भी पैलेसेस थे, या फिर कैसे मिले, बहुत ही खस्ता हालत में मिले, बहुत ही बेकार हालत है उन पैलेसेस की. क्यों गाइस? क्योंकि जो वुड होता है वो इजिली डिग्रेडेबल होता है कंपेयर टू स्टोन, ठीक है. इसी वजह से ये हमें यहाँ के पैलेसेस नहीं मिले अच्छे फॉर्म में. मेगास्थनीस जिसने एक बुक लिखी थी इंडिका, ये एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य का, इसने डिस्क्राइब किया है कि ये पैलेसेस थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है. इतने भव्य थे ये कि उसने अपनी बुक में लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है गाइस. मेगास्थनीस है वो बोर्न हुआ था एशिया माइनर टर्की है, टर्की में बोर्न हुआ था ये. और ये एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था और पाटलिपुत्र में रहा था, ठीक है गाइस. और अदर ग्रीक इन्वॉय थे जो कि इंडियन कोर्ट आए थे मेगास्थनीस के बाद. देखिए, डेमेकस था जो कि बिंदुसरा के कोर्ट में था, और डायनोसियस था जो कि अशोका के कोर्ट में था. याद रखिएगा गाइस, अशोका पैलेस, जो अशोका पैलेस है वो कुम्भराहर में है, कुम्भराहर जो कि पटना के पास है. ये इसमें एक हाईली सेंटर्ड पिलर मिला, ये देखिए हाईली सेंटर्ड पिलर, और 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर भी मिला इसमें. इसकी वॉल्स जो है डेकोरेटेड है किससे? कार्विंग और स्कल्पचर से, ओके गाइस. पिलर्स देखते हैं, अशोका के टाइम में पिलर्स और उसकी जो इंस्क्रिप्शन थी उसको बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई. और जो यूजेस देखते हैं पिलर के क्या थे, जो पिलर था उसको सिंबल ऑफ स्टेट समझा जाता था. जो भी विक्ट्री होती थी उसको मनाने के लिए कॉमेमोरेट के टाइम पे उसको एस्टेब्लिश किया जाता था. और जो इंपीरियल सर्मन्स होते थे उसको प्रोपोगेट मतलब फैलाने के लिए भी पिलर्स का यूज किया गया.
फीचर्स देखिए पिलर के ऑलमोस्ट 40 फीट के होते थे और यूजली ये चुनार सैंडस्टोन से बने होते थे। फोर पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, शाफ्ट, कैपिटल, एबकस, एनिमल फिगर। शाफ्ट गाइस देखिए क्या होता था, सिंगल पीस ऑफ स्टोन होता था, मोनोलिथ जिसको हम कह सकते हैं, जो भी स्ट्रक्चर सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनता है उसको मोनोलिथ कहते हैं। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर, ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है और ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना है, ये मोनोलिथ है एक, ओके। इसके बाद आती कैपिटल, ये या तो लोटस शेप्ड होती थी या बेल शेप्ड होती थी, जो बेल शेप्ड होती थी उसमें इन्फ्लुएंस दिखता है ईरानियन पिलर्स का, ठीक है गाइस। इसके ऊपर का जो पार्ट है ये कैपिटल है, ठीक है, ये कैपिटल है। इसमें देखिए बड़े पिक में देखिए ये जो पार्ट है ये कैपिटल है। इसके बाद अबकस, ये सर्कुलर होता था, ये रेक्टेंगुलर बेस होता था, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर, ओके गाइस। ये कैपिटल, कैपिटल के ऊपर ये जो पार्ट है ये है अबकस, ठीक है, इसमें सर्कुलर है, इसमें देखिए इसमें रेक्टेंगुलर है। उसके ऊपर एक एनिमल फिगर होता था, ये देखिए एक एनिमल फिगर है। जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो भी सारनाथ पिलर से ले गया है, सारनाथ पिलर में जो एबेकस और एनिमल पार्ट है, ये एबेकस और एनिमल पार्ट, ये इतना पोर्शन हमारे नेशनल एम्बलम में लिया गया है। जो एबेकस है सारनाथ पिलर का, उसमें फोर एनिमल दिखाए गए हैं, हॉर्स, बुल, एलिफेंट एंड लायन। ये देखिए ये एबेकस है सारनाथ पिलर का, इसमें लायन ये रहा, हॉर्स ये रहा, सॉरी एलिफेंट है और हॉर्स, इसके पीछे देखेंगे तो लायन और बुल भी मिलेंगे, ठीक है। ये कब बना था, जो फर्स्ट सरमोन दिया था गौतम बुद्ध ने, अपना जो फर्स्ट उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, उसके मनाने के लिए इस सारनाथ पिलर को एस्टेब्लिश किया गया था। और इस इंसिडेंट को, जो फर्स्ट सरमोन दिया था, उस इंसिडेंट को हम धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंस देखिए अशोकन पिलर और पर्शियन पिलर में, अकेमेनियन पिलर जो कि पर्शियन पिलर भी कहा जाता है उनको। कंपोजिशन देखिए इसका, जो शाफ्ट थी वो मोनोलिथ थी, किसकी, अशोकन पिलर की, एक ही स्टोन से बनी थी, सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनी थी और चुनार सैंडस्टोन यूज किया गया था। और जो अकेमेनियन पिलर थे उनकी शाफ्ट जो है अलग अलग स्टोन को जोड़ के, पीसेस ऑफ स्टोन को जोड़ के बनाई गई थी। लोकेशन जो है इंडिपेंडेंटली लोकेटेड है जो कि अशोकन पिलर है, जहां पर भी रूलर अशोका जो था, रूलर जो थे वो जहाँ लोकेशन देते थे वहाँ उसको इंडिपेंडेंटली इरेक्ट कर दिया जाता था। और जो अकेमेनियन पिलर थे वो जनरली अटैच्ड होते थे बिल्डिंग से। सरफेस जो थी मॉडर्न पिलर की स्मूथ होती थी और जो अकेमेनियन पिलर की सरफेस थी वो स्मूथ नहीं थी, बिकॉज ऑफ सीमेंटिंग। क्या होता था गाइज, जैसे कि जो स्टोन होते थे उनको टुगेदर ज्वाइंट किया जाता था सीमेंट से, जिससे उसकी सरफेस इतनी स्मूथ नहीं रहती थी, ओके गाइज। पर जो स्टोन होते थे वो स्मूथ होते थे। अबकस जो है इंडिपेंडेंटली कार्व्ड है एनिमल्स के साथ, मतलब अबकस पे एनिमल मिलते हैं अशोकन पिलर में और अकेमेनियन पिलर में नहीं मिलते, ओके गाइज, डिफरेंट है उसका अबकस। लोटस जो है उसमें बल्ज होता है अशोकन पिलर में और अकेमेनियन पिलर में बल्ज नहीं है। बल्ज देखिए गाइज, जैसे कि ये देखिए ये लोटस है ना, इसमें जो ये पोर्शन है बल्ज है ना, ये मतलब यहाँ से मुड़ा हुआ है, मोटा दिख रहा है, ये बल्ज है, ठीक है, और ये बल्ज अकेमेनियन पिलर में नहीं मिलता है। सिमिलरिटीज देखिए अकेमेनियन और मॉडर्न आर्किटेक्चर में, जो अशोका में, जो अशोका ने इंस्क्राइप्शन प्रोक्लेमेशन जो देता था, इंस्क्राइब कर देते थे, जो अशोका अपने पिलर पर अशोका इंस्क्राइब करता था वो उसने अकेमेनियन से लिया, ओके गाइज। और जो वर्ड डीपी और लिपी अकर होता है ये दोनों की इंस्क्रिप्शन में मिला है, डेरियस जो कि एक ईरानियन रूलर था और अशोका जो कि एक मौर्यन रूलर था, दोनों में ही ये वर्ड का यूज किया गया है, डीपी और लिपी। और फॉरेन इन्फ्लुएंस हम किसमें देख सकते हैं, जो सर्फिस्ट पॉलिश सरफेस है अशोकन पिलर की और उसके जो एनिमल मोटिफ की जो पॉलिश सरफेस है उसमें हमें फॉरेन इन्फ्लुएंस मिलता है। और जो स्टिफ हेराल्डिक पोज लायंस का, उसमें भी हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखते हैं, ठीक है। जो जो अकेमेनिट पिलर है और मॉडर्न कॉलम, जो मॉडर्न पिलर है उसने, दोनों ने पॉलिश्ड स्टोन का यूज किया है। मैंने बताया स्टोन दोनों के पॉलिश थे, पर जो मॉडर्न स्टोन था वो एक स्टोन था, मोनोलिथ था, जो शाफ्ट के लिए यूज किया गया था। और जो अकेमेनिट पिलर था वो डिफरेंट स्टोन को जोड़ के बना के एक शाफ्ट बनाई थी, ओके गाइस। और दोनों ही पिलर में सर्टेन कॉमन स्कल्पचर मोटिफ है, जैसे कि लोटस दोनों में ही यूज किया गया है। स्तूपा देखते गाइस, ये एक ब्यूरल माउंट थी जो कि वैदिक टाइम से ही इंडिया में थी, पर पॉपुलराइज की गई बुद्धिस्ट के थ्रू, बुद्धिस्ट रिलीजन ने इसको पॉपुलराइज किया। एशेस और रिलिक्स रखी जाती है इसके, डेथ जो पर्सन होते थे उनके
एशेस और रिलिक्स रखी जाती थी। अशोका के पीरियड में जो आर्ट और बुद्ध स्तूपा थी वो क्लाइमेक्स पे पहुंची और अराउंड 84,000 स्तूपा इरेक्ट किए गए अशोका के टाइम में। आफ्टर द डेट ऑफ बुद्ध 9 स्तूपाज इरेक्ट किए गए, उसमें से 8 जो है उसमें बुद्ध की रिलिक्स मिलती है जो कि मेदी में रखी गई है। मेदी क्या है गाइस? कोर ऑफ स्तूपा, ठीक है, कोर ऑफ स्तूपा। और 9th जो है उसमें पोर्ट है जिसमें ओरिजिनली जो रिलिक थी वो रखी गई थी, ठीक है। लोकेशन देख लेते हैं 9 स्तूपस की, राजगिरा में है एक बिहार, वैशाली ये भी बिहार, कपिलवस्तु नेपाल, अलकप्पा इसकी लोकेशन अननोन है, ठीक है गाइस। रामाग्रामा ये नेपाल में है, पावा यूपी में, कुशीनगर जो कि यूपी में है, कुशीनगर में ही डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की, वेदापीटा इसकी भी लोकेशन अननोन है, पिपालीमाना ये यूपी में है, ये वानजांग एक चाइनीज ट्रेवलर था जिसने इसको विजिट किया था। ओके गाइस, स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्तूपा के, ये देखिए गाइस ये स्तूपा है, ठीक है, ये इसके ओरिजिनल पिक है, ये स्केच पिक है। ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम छतरी कहते हैं, ठीक है, और ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हर्मिका कहा जाता है, और जो ये डोम है, ठीक है, डोम है उसको अंदा कहा जाता है, और उसके नीचे जो ये चलने का रास्ता है ये और ये, इसको प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता है, और इसके डोम के नीचे अंदा के नीचे वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो पार्ट है उसको मेदी कहा जाता है, कोर, ठीक है। ये जो बाहर का बाउंड्री है उसको वेदिका कहा जाता है, और जो दरवाजे है जो डूर है उसको टोराना कहा जाता है। ओके गाइस, तो देखिए गाइस जो कोर था स्तूपा का वो अनबर्न ब्रिक से बना हुआ है, और जो सरफेस है वो बर्न ब्रिक से बनी हुई है और उस पर प्लास्टर किया गया है, ठीक है। और जो मेदी और टोरन है, ठीक है, कोर और जो टोरन है वो उसको डेकोरेट किया गया है। ये जो वॉल है, ठीक है, इसको मेदी कहा जाता है, पूरी की पूरी डोम के नीचे वाली वॉल है उसको मेदी कहा जाता है। इसके अंदर रिलिक्स रखी जाती है, जो भी बुद्ध की रिलिक्स मेदी के अंदर रखी जाती है, और जो तोरण और मेदी है वो वुडन स्कल्पचर से डेकोरेटेड है। ओके, जो प्रदक्षिणा पद है उसमें क्या करते हैं, डिवोटी वॉल्क करते हैं, मतलब राउंड लगाते हैं एज अ वर्शिप, फॉर वर्शिप। ओके, वर्शिप कैसे की जाती है, राउंड लगाते वर्शिप की जाती है प्रदक्षिणा पथ पर। ओके गाइस, सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में मोस्ट फेमस अशोकन स्तूपा है, और जो पीपरावा है जो कि यूपी में है ये ओल्डेस्ट वन है। ओके गाइस, इस लेक्चर में इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिविजुअल जो आर्ट है मौर्यन एम्पायर की वो कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव रीच एंड इनरिच योर सेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल जॉइंट। इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल कवर केव्स, स्कल्पचर एंड पॉटरी। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट, द लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर मैंने आपको गाइस बताया था, हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कोर्ट आर्ट हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली, इस लेक्चर में हम पॉपुलर आर्ट पढ़ेंगे जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइड है, केव्स, पॉटरी एंड स्कल्पचर। पॉपुलर आर्ट ये गाइस इंडिविजुअली ऑफर्ड, मतलब इंडिविजुअली जो पर्सन है उन्होंने ही, उनके एफर्ट से ये एस्टेब्लिश हुई केव आर्ट आर्किटेक्चर। जो इमरजेंस ऑफ रॉक कट केव चालू हुआ वो इस पीरियड में ही चालू हुआ, मतलब जो रॉक कट केव क्या होती है गाइस, जो कि रॉक होती है, जो रॉक होती है चट्टान जो होती है उसको जो कट करके जो केव बनाई जाती है, गुफा बनाई जाती है, उसको रॉक कट केव आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसी पीरियड में उसका इमरजेंस हुआ। जनरली यूज्ड होती थी विहारा, विहारा क्या होते हैं, लिविंग क्वार्टर्स होते हैं जो कि जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज करते थे। ओके, अर्ली जो केव्स है वो यूज की गई जैन अजीवकास के द्वारा, बाद में ये पॉपुलर हुई बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज से, एज अ बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज पॉपुलर हुई बाद में। हाईली पॉलिश्ड होती है इसमें इंटीरियर वॉल के अंदर, और जो गेटवे होते हैं वो डेकोरेटिव होते हैं। बारबरा और नागार्जुना केव जो कि बिहार में है वो दशरथ के पीरियड में फॉर्म्ड हुई थी, जो कि अशोका का ही सन था। ओके गाइस, बारबरा केव, ठीक है, ये बारबरा केव है, ठीक है, इसके जो इंटीरियर है वो पॉलिश्ड है, यहाँ से देखिए इनका इंटीरियर जो है अंदर भी पॉलिश्ड होगी, है वो पॉलिश्ड है इंटीरियर वॉल, और ये देखिए ये जो गेटवे है वो डेकोरेटिव है। अजीविका देख लेते हैं गाइस, अजीविका क्या है, ये एक नास्तिका हेटरोडॉक्स स्कूल है,
नास्तिका से रिलेटेड गाइस है कि जो वेद है हमारे उसमें बिलीफ नहीं करते जो स्कूल, ठीक है, उसको हम नास्तिका स्कूल कहते हैं, और जो बिलीव करते हैं वेद के अंदर उसको आस्तिका स्कूल कहते हैं, ठीक है। इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, रिलीजन में आस्था और नास्तिक से कोई रिलेटेड नहीं है, इसका सीधा सीधा रिलेटेड है वेद से, ठीक है। वेद में जो चीजें लिखी गई है उसमें जो बिलीव करते हैं उसको आस्तिका स्कूल, और जो नहीं करते उसको नास्तिका स्कूल कहा जाता है या हेट्रोडॉक्स स्कूल कहा जाता है। तो आजीविका भी एक नास्तिका स्कूल थी जो ये फॉलो डॉक्ट्राइन फॉलो करता है इम्यूटेबिलिटी या फिर प्रीडिटरमाइंड का डॉक्ट्राइन फॉलो करता है। इसका मतलब ये है गाइस, प्रीडिटरमाइंड मतलब जो कुछ भी होना है हमारे साथ वो प्रीडिटरमाइंड है, मतलब जो होगा हमारे साथ वो पहले से डिटरमाइंड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि डॉक्ट्राइन ऑफ नियति या डेस्टिनी को ये फॉलो करता है। जो कुछ भी होना है वो होएगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। फाउंड किया था इसको गौशाला मखालीपुट्टा ने, ठीक है, जो कि कंटेम्प्रेरी है बुद्धा और महावीरा के, ओके गाइस। और इसका सोर्स जो हमें मिलता है इंफॉर्मेशन का आजीविका सेक्ट का, वो मिलता है हमें भगवती सूत्रा से, ओके गाइस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। स्कल्पचर देख लेते हैं इस आर्ट के। स्कल्पचर जो होते थे प्राइमरी यूज किया जाते हैं डेकोरेशन ऑफ स्तूपा के, ठीक है, जो तोरा ना मैंने बताया था गेटवे होता है स्तूपा का, और मेदी जो कि कोर होता है अंदर की, बाहर की इसकी जो दीवार होती है कोर की उसको मेदी कहा जाता है, ठीक है गाइस। कोर जो था मैंने बताया था, कोर के ऊपर जो दीवार है उसको मेदी कहा जाता है, ठीक है। उसमें उसमें जो डेकोरेशन होती थी उस एज अ डेकोरेशन स्कल्पचर यूज किए जाते थे पौराना और मेदी के, और रिलीजियस एक्सप्रेशन के लिए भी यूज किए जाते। यक्ष और यक्षिणी फेमस स्कल्पचर है उस टाइम के बहुत ज्यादा, ठीक है। यक्ष और यक्षिणी ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है और रिलेटेड है तीनों रिलीजन से, जैनिज्म बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, ठीक है, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म और जैन तीनों से ही रिलेट करता है यक्ष और यक्षिणी, मतलब तीनों में ही इसके एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं कि दोनों तीनों ही रिलीजन इसको मानते हैं। अर्लिस्ट मेंशन है जो यक्ष और यक्षिणी का वो मिलता है हमें शिल्पाटिक करम के अंदर, ठीक है, ये एक तमिल टेक्स्ट है, ओके गाइस, जो कि तीर्थंकर जो जैन धर्म के तीर्थंकर है 24th तीर्थंकर है, जो कि जो महावीर थे, ठीक है, जो महावीर थे हमारे 24th तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर थे, ठीक है। ऐसे जो 24th तीर्थंकर है वो एसोसिएट है वर, ठीक है, वर एसोसिएटेड विद यक्षिणी, मतलब एक पर्टिकुलर यक्षिणी से एसोसिएटेड है हर एक तीर्थंकर, ओके गाइस। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये यक्षिणी है जो कि सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में उसका तोराना जो कि उसका दूर है उस पर बनी हुई है, और ये भी एक यक्षिणी है और ये ए यक्ष है। बेसिकली गाइस देखा जाए तो इनको एज अ डोर पे ही यूज किया जाता था, तो हम कह सकते हैं ये द्वारपाल भी थे, ठीक है। द्वारपाल मतलब गेट के रक्षक, जो कि रक्षक होते थे द्वार के बाहर खड़े होते थे, एज अ द्वारपाल भी इनको यूज किया जाता था। पोट्री देख लेते हैं हम मौर्यन एम्पायर के टाइम की। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यूज किए गए, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBVP या फिर पेंटेड ग्रे वेयर भी इनको कहा जाता था। ये इनका पिक देख लीजिए, ये ब्लैक वेयर है, ठीक है, पॉलिश्ड हो रखे अच्छे से इसलिए इनका पॉलिश्ड वेयर, और नॉर्थन एरिया मिले इसलिए नॉर्थन, ठीक है। ब्लैक पेंट है इनके ऊपर, हाईली लस्टेरियस है, बहुत ही अच्छी चमक है, देखिए कितनी अच्छी चमक है उस टाइम के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी चमक है। जनरली यूज्ड फॉर लग्जरी आइटम, लग्जरी आइटम के एज ए लग्जरी आइटम इसको यूज किया जाता था, और इसको रेफर्ड किया जाता है हाईएस्ट लेवल ऑफ पोएट्री, ओके गाइस, पोएट्री में हाईएस्ट लेवल में इसको यूज किया जाता, मतलब एंशियंट टाइम की सबसे अच्छी पोएट्री इसको माना जाता है, ओके गाइस। ये हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पोस्ट मॉडर्न आर्ट, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न आर्ट कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, शेयर विद अदर टू एक्सपाउंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव ट्रीज एंड एनरिच योरसेल्फ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल जॉइंट में। गाइस आर्ट एंड जो कल्चर की हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने मॉडर्न आर्ट तक कंप्लीट कर लिया है, अब इस लेक्चर में हम पोस्ट मॉडर्न आर्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर रॉक कट केव्स और स्तूपास स्कल्पचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्ट को हम कवर करेंगे। यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम आवर वेबसाइट, लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। पोस्ट मॉडर्न आर्ट गाइज
देखिए गाइस, जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ 2 सेंचुरी BC में, जब छोटी छोटी डायनेस्टीज ने बर्थ लिया, ओके, नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे तो शुंगास, कानवास, कुशानास एंड शाकास जो थे नॉर्थ इंडिया में स्टेब्लिश हुए, और साउथर्न और वेस्टर्न इंडिया में सातवानाज, इश्कावाकूज, अभिराज एंड वकटकाज ने अपनी पकड़ बनाई। ओके गाइस, इसी टाइम पे न्यू ब्राह्मणिकल सेक्ट का इमर्जेंस हुआ, शैवित जो कि शिवा के फॉलोअर थे, वैष्णवाइट्स जो कि विष्णु के फॉलोअर थे, और शक्टाइट जो कि शक्ति के फॉलोअर थे, ठीक है, इनका इमर्जेंस हुआ। रॉक कट केव्स और जो स्तूपास थी जो मॉडर्न पीरियड में बनना चालू हुए थे वो कंटिन्यू रहे इस पीरियड में भी, और न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर इमर्ज हुए इस टाइम पे, और आर्ट ऑफ स्कल्पचर थी अपने इस पीरियड में जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है उसमें क्लाइमेक्स पर पहुंची। ओके, आर्किटेक्चर देखते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर रॉक कट केव्स, केव्स जो थी उनमें ओपन कोर्टयार्ड मतलब कि आंगन मिला, और डेकोरेटेड मिली है ह्यूमन और एनिमल फिगर से। ओके, टू टाइप ऑफ रॉक केव्स मिली है, चेतियाज और विहाराज। ओके, चेतिया विहाराज क्या होते हैं, रेसिडेंटल हॉल होते हैं जहाँ बेसिकली लिविंग के लिए होते हैं ये, और यहाँ रहते थे बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क जो होते थे वो अब वहाँ यहाँ निवास करते थे। ओके गाइस, और ये डेवलप हुई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। ओके, तो मौर्यन एम्पीरियड था उस टाइम पे डेवलप हुए विहाराज और कंटिन्यू रहे पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी। ये विहारा देखिए, ये विहारा है, एलोरा केव्स है जो कि महाराष्ट्र में है, वहां का ये विहारा है। ओके गाइस, चेतियाज देखिए, चेतियाज क्या होते हैं गाइस, प्रेयर हॉल होते हैं, प्रेयर हॉल जहाँ पर पूजा की जाती है या फिर मेडिटेशन किया जाता था उसके लिए चेतियाज यूज किया जाते थे, और मेनली क्या होता है, क्वाड्रेंगुलर चैम्बर होते हैं और उनकी फ्लैट रूफ होती है, फ्लैट रूफ होती थी इनकी, डेवलप हुए ये पोस्ट मॉडर्न टाइम में। ओके गाइस, इसी टाइम में, दिस टाइम मतलब जो लेक्चर हम कर रहे हैं उस पीरियड में ये एस्टेब्लिश हुए या फिर कंस्ट्रक्ट हुए पोस्ट मॉडर्न टाइम में। ओके गाइस, ये देखिए कार्ले चेतिया है, ये अजंता केव्स, अजंता केव्स जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद, औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अजंता केव्स है, उसमें है कार्ले चेतिया। ओके गाइस, ये नोट कर लीजिए या देख लीजिए अच्छे से, अजंता केव्स और जो एलोरा केव्स है दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। ओके गाइस, याद रखिएगा, स्तूपा, स्तूपा जो हुए इस टाइम पे लार्ज हो गए और मोर डेकोरेटिव हो गए, ठीक है, स्टोन्स का ज्यादा यूज किया जाने लग गया इन प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। देखिए गाइस, जो मॉडर्न पीरियड था उस टाइम पे जो स्तूपास थे वो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे वुड और ब्रिक से। ओके, इस टाइम पे इनको स्टोन से कंस्ट्रक्ट करना चालू कर दिया गया या ज्यादा स्टोन का यूज किया जाने लगा। जो टोरंस क्या है गाइस, डोर्स ऑफ स्तूपा, जो स्तूपा के दरवाजे होते थे उसको टोरंस कहा जाता है। ये ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेटवे इनको मैं बना दिया गया, मतलब इन पे ब्यूटिफिकेशन किया जाने लग गया इनका, और ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था शुंगाज ने। ओके गाइस, टोरंस जो है उस पे हेलेनिस्टिक आर्ट का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। गाइस देखिए, हेलेनिस्टिक आर्ट क्या थी, ये एक आर्ट थी जो कि स्टार्ट हुई थी जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ हुई थी 223 BC में, और ये आर्ट एंड हुई जब रोमन ने ग्रीक को कंक्वेस्ट कर लिया था, उस टाइम पे ये आर्ट एंड हो गई। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस हमें इंडियन आर्ट में भी देखने को मिलता है, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब हमारा कंक्वेस्ट किया था, इंडिया का कंक्वेस्ट किया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट को इंडिया के, उस टाइम के उस एरिया में हमें इस आर्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ओके, और कब तक को मिलता है, 4 सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी ऑफ आवर एरा मतलब 1st सेंचुरी AD, 1st AD तक हमें देखने को मिलता है हेलेनिस्टिक आर्ट का इन्फ्लुएंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। ओके, भरत स्तूपा इन UP और टोरान है जो सांची स्तूपा का, इसमें हमें ये पोस्ट मॉडर्न आर्ट के का प्रभाव देखने को मिलता है, और ये या फिर उस टाइम पे ये डेवलप हुआ है। टोरांस जो है, देखिए गाइस, जो सांची स्तूपा है वो एस्टेब्लिश हुआ था या कंस्ट्रक्ट हुआ था अपने मॉडर्न पीरियड में। ओके, और जो टोरान है उसका वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में डेवलप हुआ है। स्कल्पचर देखिए गाइस, 3 स्कूल स्कल्पचर के डेवलप हुए इस टाइम पे, गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल। गांधारा स्कूल को इंडो ग्रीक आर्ट या इंडो ग्रीक स्कूल भी कहा जाता है, इसका इसमें हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस मिलता है, इस वजह से इसको इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। ये कहाँ डेवलप हुई थी गाइस, जो मॉडर्न डे का पेशावर और अफगानिस्तान है वहाँ के एरिया में डेवलप हुई, और इसको ग्रेको इंडियन आर्ट ऑफ स्कूल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक एंड रोमन। ओके, 2 स्टेज में फ्लरिश हुई, और पीरियड इसका है फ्रॉम
50 BC to 500 AD. ओके फर्स्ट फेज में इसमें ज्यादातर यूज किया गया ब्लूश ग्रे सैंडस्टोन का और सेकंड फेज में इसमें यूज किया गया मड और स्टको का. स्टको क्या होता है गाइस? प्लास्टर होता है. ओके इमेज ऑफ और जो इमेजेस है जो बुद्धा और बोधिसत्वास की वो बेस्ड है किस पे बेस्ड है? ग्रेको रोमन पैंथन. पैंथन क्या होता है गाइस? जो गॉड और गॉडेस होते हैं किसी भी रिलीजन के, ऑल गॉड ऑफ गॉडेस, उनको एक ग्रुप में कहा जाता है पैंथन. जो ग्रेको रोमन पैंथन थे उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है उन पे बेस. बुद्धा की जो इमेजेस है वो उन पे बेस है और अपोलो जो कि ग्रीक गॉड है उसका रिसेम्बलेंस देती है बुद्धा की इमेजेस. पेट्रोनाइज्ड किया था इसको कुषाण रूलर ने. कुषाण रूलर्स ने इनको इसको इस आर्ट को बहुत सपोर्ट किया. मोस्ट करेक्टरिस्टिक ट्रेड देखी जाती है गांधार स्कल्पचर की लॉर्ड बुद्धा को इन्होंने स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन दोनों के अंदर डिपिक्ट किया है. और इसके अंदर क्या किया जाता है, ह्यूमन बॉडी को एक रियल इमेज में रियलिस्टिक मैनर में पेश करने की कोशिश की जाती है और ग्रेट अटेंशन दिया जाता है फिजिकल डिटेल पे. ओके गाइज ये देखिए, ये जो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट की इमेजेस है. देखिए कितना रियलिस्टिक तरीके से बनाई गई है. रिप्रेजेंटेशन इसमें मिलता है देखिए गाइस, थिक ड्रेपरी विथ लार्ज एंड बोल्ड फोल्ड लाइन. थिक ड्रेपरी जो भी कपड़ा लिबास जो लपेटा जाता था इमेजेस के ऊपर वो थिक एज अ थिक दिखाई जाती थी और उसमें लार्ज और बोल्ड फोल्ड लाइन्स होती थी. ये देखिए गाइस जो गौतम बुद्धा का स्टेच्यू है उस पर जो उन्होंने शॉल उन्होंने लपेट रखी है, रैप कर रखी है, उस पर देखिए कितनी थिक और बोल्ड लाइन्स है. ओके साफ देखी जा सकती है इमेजेस के ऊपर. रिच कार्विंग है, ऑर्नामेंटेशन का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, ऑर्नामेंट्स है, कॉम्प्लेक्स सिंबल्स यूज किए गए हैं. बुद्धा की आईज इसके अंदर हाफ क्लोज्ड है जैसे कि मेडिटेशन के अंदर होती है और जो कि प्रोटूबेरेंस जो है प्रोटूबेरेंस दिखाया गया है इसके अंदर बुद्धा के हेड के ऊपर. प्रोटूबेरेंस क्या होता है गाइस ये देखिए, जिसको हम जूड़ा कहते हैं, ये जो है प्रोटूबेरेंस है. प्रोटूबेरेंस क्या डिनोट करता है? विजडम ऑफ पर्सन. ओके हेलो जो पीछे का ये चांद का चक्रा है वो बुद्धा के हेड के पीछे हमें देखने को मिलता है गांधारा आर्ट के अंदर. मथुरा स्कूल देखिए गाइस, ये इंडिजिनसली डेवलप है, इसमें बाहर का कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, टोटली इंडियन है ये. ओके गाइस और फ्लरिश्ड हुई ये यमुना रिवर के किनारे पे और मथुरा सोंक और कांकालीटिला जो सिटीज है वहां फ्लरिश्ड हुई. कांकालीटिला गाइस यहाँ पर फेमस है ये जैन स्कल्पचर के लिए, जैन के इमेजेस स्कल्पचर ज्यादा मिले हैं कांकालीटिला में और मथुरा सोंक और ये एरिया है जहाँ ये मथुरा स्कूल डेवलप हुआ. इसका टाइम फ्रेम था गाइस फर्स्ट सेंचुरी टू थर्ड सेंचुरी एडी और इसके अंदर ऑल थ्री रिलीजन का इन्फ्लुएंस मिलता है, बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड जैनिज. याद रखिएगा गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेजेस जो थी इसके अंदर जो मोल्ड की गई बनाई गई वो यक्षा इमेजेस थी जो कि मॉडर्न टाइम की, उसी को बेस रखते हुए उसको मॉडिफाइड करके जो इस टाइम की इमेजेस बनाई गई. ओके ज्यादातर इसमें स्पॉटेड रेड स्टोन का यूज किया गया है याद रखिएगा. पेट्रोनाइज इसको भी कुषाण रूलर्स जो कि कुषाण रूलर्स थे इसको भी पेट्रोनाइज करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे. तो मथुरा आर्ट और गांधारा आर्ट को दोनों को ही कुषाण रूलर पेट्रोनाइज किया करते थे. ओके गाइस इस पीरियड में हम देखा जा सकते हैं जो कनिक्स का रीजन था, कुषाण पीरियड में कनिक्स जो था कुषाण रूलर था उसके पीरियड में हमें फर्स्ट इमेज ऑफ बुद्धा की फर्स्ट इमेज मिलती है 78 एडी के अंदर. ओके गाइस इसके अंदर मथुरा आर्ट के अंदर स्ट्राइकिंग यूज ऑफ सिंबलिज्म का बहुत ज्यादा यूज किया गया है इसके अंदर. शिवा जो है सिंबलिज्म क्या होता है जैसे सिंबल के थ्रू दिखाया गया, किसी को सिंबल के थ्रू डिपिक्ट किया गया, जैसे कि देखिए शिवा को लिंग के थ्रू डिपिक्ट किया गया, लिंगा एंड मुख्य लिंगा के थ्रू शिव को डिपिक्ट किया गया. मुख्य लिंगा क्या होता है गाइस? देखिए ये जो लिंगा है लिंग की स्टेचू है उस पे जो शिवाजी का मुख्य जो फेस होता था ठीक है उसको कहा जाता था मुख्य लिंगा. तो सिंबलिस का बहुत ज्यादा यूज किया गया इस आर्ट के अंदर. देखिए गाइस इस आर्ट के अंदर सिर्फ बुद्धिज्म इमेजेस नहीं मिली है अच्छी, इसके में सिर्फ जैन तीर्थंकर और जो हिंदूज गॉड और गॉडास है उनकी भी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल इमेजेस मिली है. ओके गाइस बुद्धा फीचर याद रखिएगा गाइस, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मथुरा आर्ट के अंदर सिर्फ बुद्धिस्ट आर्ट का इन्फ्लुएंस मिलता है तो स्टेटमेंट गलत होगी. बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस मिलता है गलत होगी स्टेटमेंट, हिंदुज्म और जैनिज इन्फ्लुएंस भी मिलता है और जैनिज और हिंदूज गॉडेस की भी
इमेजेस मिली है। ओके गाइस, बुद्धास के फीचर देख लेते हैं। जो हेलो है बुद्धा के, जो हेलो जो पीछे चक्रा होता है, ये देखिए चक्रा जो होता है वो बुद्धा का, उसमें ज्योमेटिकल पैटर्न देखने को मिलता है। ये देखिए गाइस कितना ज्योमेटिकल पैटर्न है, जो गांधारा आर्ट थी उसके अंदर प्लेन होलो होता था, ठीक है, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलता है। और जो हेलो है वो लार्जर है, ठीक है, जो चंद्रा है पीछे का वो लार्ज है गांधारा आर्ट से। ओके, और हमें इसमें देखने को मिलता है जो बुद्धा है वो सराउंडेड है टू बोधिसत्वा से, पद्मनी है जिसके हाथ में लोटस है, और वज्रापानी है जिसके हाथ में थंडरबोल्ट है। ओके गाइस, जो सीटेड फिगर है बुद्धास के उसमें पद्मासना पोस्चर देखने को मिलता है हमें बुद्धा का। ये देखिए सीटेड फिगर, ये जो पोस्चर है ये पद्मासना पोस्चर है। ओके गाइस, इसमें हमें देखने को मिलता है बुद्धा को इसके अंदर डिलाइटेड मूड, मतलब एक प्रसन्न मुद्रा के अंदर दिखाया गया और स्माइलिंग फेस के अंदर दिखाया गया है मथुरा आर्ट में। बॉडी है जो मस्कुलर है बुद्धा की इसके अंदर, और टाइट क्लॉथ जो है ड्रेस पहन रखी है। ये देखिए बॉडी इसमें मस्कुलर है और जो क्लॉथ है वो एकदम टाइट है। मुस्टेज और बियर्ड ये दोनों नहीं है मथुरा आर्ट के अंदर, याद रखिए गाइस, मुस्टेज और बियर्ड नहीं है, दाढ़ी और मूछे नहीं है। गांधारा आर्ट के अंदर दाढ़ी और मूछे, मुस्टेज और बियर्ड के प्रूफ मिले हैं, मतलब मिले हैं स्टेचू मुस्टेज और बियर्ड के साथ, मथुरा आर्ट में नहीं है, याद रखिएगा। प्रोटोबेरेंस जो है इसमें भी देखने को मिलता है, ये देखिए ये रहा प्रोटोबेरेंस, दोनों स्टेचू के अंदर है, मथुरा आर्ट के अंदर भी प्रोटोबेरेंस देखने को मिलता है जो कि डिनोट करता है विजडम को। अमरावती स्कूल देखिए गाइस, ये भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है इसके अंदर, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डेवलप हुई, और कृष्णा रवि का जो रिवर है, कृष्णा रिवर है उसका किनारे पे ये डेवलप हुई, और कह सकते हैं हम कृष्णा और गोदावरी रिवर की जो लोअर वैली है वहाँ डेवलप हुई अराउंड अमरावती और नागार्जुनकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इसको पेट्रोनाइज किया सातवाना रूलर में, ठीक है, सातवाना रूलर जो थे उन्होंने पेट्रोनाइज किया था अमरावती स्कूल को, याद रखिएगा गाइस। गांधारा एंड मथुरा आर्ट को किसने पेट्रोनाइज किया, कुशांस ने, और अमरावती स्कूल को पेट्रोनाइज किया सातवाहनाज ने। ओके, इसमें मेनली हमें बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस मिलता है ना, जैसा कि अनलाइक मथुरा आर्ट जिसके अंदर हमें हिंदुइज्म जैनिज्म और बुद्धिस्ट तीनों के इन्फ्लुएंस मिलते हैं। मेजरली इसमें यूज किया गया व्हाइट मार्बल का, ओके याद रखिएगा व्हाइट मार्बल का अमरावती स्कूल में यूज किया गया। इसमें देखिए गाइस जो अदर टू स्कूल है जैसे कि गांधारा और अपना मथुरा स्कूल है उसके अंदर जो है सिंगल इमेज पे फोकस किया गया, पर अमरावती स्कूल में एम्फेसिस किया गया डायनेमिक इमेज, अलग अलग तरह की इमेजेस पे और नैरेटिव आर्ट पे, ठीक है। नैरेटिव आर्ट से हम कह सकते हैं मतलब कि जो इमेजेस जो स्टेच्यू कोई स्टोरी डिनोट करते हो, ओके, जैसे कि इसके अंदर जो लाइफ स्टोरी इमेजेस जो बनाई गई है वो कैसी है, जो लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा दिखाती है, या फिर जटका टेल्स शो करती है, ऐसी इमेजेस या स्टेचू डेवलप किए गए हैं, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्ट किए गए। ओके, प्रीवियस लाइफ जो जटका टेल्स होती है, प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म, ये कहानियां है बुद्धा की लाइफ की, प्रीवियस लाइफ की, इन एनिमल एंड ह्यूमन फॉर्म। ओके गाइस, एक्सेसिव यूज किया गया है इसके अंदर त्रिभंगा पोस्चर का स्कल्पचर के अंदर। गाइस त्रिभंगा पोस्चर क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, त्रिभंगा मतलब होता है थ्री पार्ट ब्रेक। ओके, इसके अंदर क्या होता है, बॉडी को थ्री एरिया से बेंड किया जाता है, एक होता है नेक, दूसरा वेस्ट कमर, और नी मतलब घुटना। ओके, और जो वेस्ट और नेक होती है वो अपोजिटली कार्ड होती है जिससे बॉडी एक एस शेप में दिखती है। ओके, और इसमें ज्यादातर ये यूज किया जाता है ओडिसी के अंदर। ओडिसी क्या है गाइस, ओडिसा का एक डांस फॉर्म है और हमारे क्लासिक डांस में आता है। ओके, क्लासिकल डांस में से एक है ये ओडिसी, जो कि ओडिसा में परफॉर्म किया जाता है, उसके अंदर उस डांस फॉर्म के अंदर त्रिभंगा पोजिशन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आई हुई है त्रिभंगा आर्ट। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुप्ता आर्ट स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव ट्रीज एंड एनरिच योरसेल्फ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल ज्वाइंट में। हमारी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही थी, इसमें हमने पोस्ट मॉडर्न आर्ट तक कवर कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर हम गुप्ता एज को कवर करेंगे, उसका आर्किटेक्चर हम इसके अंदर देखेंगे। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट,
The link has been given in description below. Gupta Age, guys, Gupta Age जो कि 4th century AD में आया था. Gupta period को Indian architecture का golden period भी कहा जाता है. इसके अंदर earlier Gupta थे जो कि Buddhist थे. इस वजह से जो Buddhist architecture था वो continue रहा. Later Gupta phase के जो ruler थे वो Hindu ruler थे. इस वजह से क्या हुआ, temple architecture था वो सामने आया. Okay guys, temple architecture इस time में अपने climax पर पहुंच गया और जैन और बुद्धिस्ट आर्ट थी वो भी अपने पीक पर पहुंची गुप्ता एज के अंदर. ओके गाइस, गुप्ता रूलर जो कि स्पेशली देखा जाए तो लेटर फेज के जो गुप्ता रूलर थे वो ब्राह्मण रूलर थे, पर वो टॉलरेंट थे टुवर्ड्स ऑल रिलीजन. ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, थ्री प्रिंसिपल देवी देवता उस टाइम पे थे, विष्णु, शिव एंड शक्ति. विष्णु को बेसिकली नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया में ज्यादा पूजा जाता था, शिवा को साउथर्न पार्ट में एंड शक्ति को ईस्टर्न पार्ट, मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट का केरला की जो कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है एंड साउथर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में शक्ति को पूजा जाता है. आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के अंदर केव्स देखिए गाइस, डेवलपमेंट और जो केव्स का था वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहा. जैसी केव्स में डेवलपमेंट होता था वैसे रहा. सिर्फ एक न्यू फीचर जो ऐड हुआ था वो था मुराल पेंटिंग, जो कि वॉल्स पे की जाती थी वो ऐड हुआ था. हम फाइन एग्जांपल देख सकते हैं मुराल पेंटिंग के केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा के अंदर. देखिए गाइस, मुराल पेंटिंग होती क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जो डायरेक्ट पेंट या पेंटिंग जो भी होती है उसको डायरेक्टली वॉल, सीलिंग या जो भी सरफेस होती है परमानेंट सरफेस उसके ऊपर डायरेक्ट कर दिया जाता है, पेंटिंग को डायरेक्ट बना दिया जाता है, उसको हम मुराल पेंटिंग कहते हैं. अजंता केव्स, अजंता केव्स देखिए गाइस, रॉक कट केव्स है, औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उस वहाँ है महाराष्ट्र के. 29 केव्स है टोटल, उसमें से जो 25 है वो एज अ विहाराज यूज की जाती थी. विहाराज मैंने बताया था रेसिडेंटल केव्स होती है जहाँ रहा जाता था, और 4 जो है वो एज अ चेतियाज यूज किया जाती थी. चेतिया क्या होते हैं, प्रेयर हॉल्स होते हैं. बिटवीन 200 टू 650 एडी के बीच में इन केव्स का डेवलपमेंट हुआ. ओके गाइस, डेवलपमेंट हुआ अराउंड 650 ईयर्स तक इनका डेवलपमेंट चला. बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे उन्होंने इनको इंस्क्राइब किया, मतलब कुरेदा है इनको, मतलब बनाया है, और अंडर द पेट्रोनेज किसके, वाकाटका किंग्स जो थे उनके पेट्रोनेज. पर्टिकुलरली देखा जाए तो हरिसेना था जो कि वाकाटका किंग था वो प्रोमिनेंट था इनके पेट्रोनेज में. ये देखिए गाइस, ये है अजंता केव्स. टेक्निक जो यूज की जाती थी पेंटिंग की वो फ्रेस्को पेंटिंग होती थी. ये 3-स्टेप पेंटिंग है. इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, क्ले और काउडंग और राइस हक्स जो चावल का छिलका होता है उसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता है और उसको सरफेस पे अप्लाई किया जाता था. उसके बाद क्या होता था, लाइम प्लास्टर, जो लाइम प्लास्टर होता था उसको अप्लाई किया जाता था उसके ऊपर सेकेंड स्टेप में. थर्ड स्टेप में इसमें जो कलर और पिगमेंट होते थे वो अप्लाई किए जाते थे. जो मॉइस्ट सरफेस जो प्लास्टर किया जाता था वो गीला होता था, उसी के ऊपर क्या कर दिया जाता था, कलर अप्लाई कर दिए जाते थे. जिससे क्या होता था, गीले होने की वजह से वो जो कलर होते थे वो नीचे तक सीप करके पहुंच जाते थे, सीप के पहुंच जाते थे रिस्क के, जिससे वो जो पेंटिंग बनती थी वो एक पक्की पेंटिंग बनती थी और ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली पेंटिंग बनती थी. नेचुरलिज्म देखने को मिलता है हमें पेंटिंग के अंदर. कलर जो बनाए जाते थे बेसिकली जो लोकल वेजिटेशन और मिनरल होते थे वहां से बनाए जाते थे. आउटलाइन जो होती थी पेंटिंग की उनको रेड कर दिया जाता था, उसके बाद जो इनसाइड की पेंटिंग अंदर की पेंटिंग होती थी वो बनाई जाती थी. पहले क्या कर दिया जाता था, पेंटिंग का जो बाउंड्री थी उसको रेड कलर से बाउंड्री बना दी, देन अंदर पेंटिंग डिजाइन कर दी. ब्लू कलर का कोई यूज नहीं है, याद रखिएगा, ब्लू कलर का कोई यूज नहीं है अजंता केव्स के अंदर. पेंटिंग की जो थीम्स होती थी जनरली बुद्धिस्ट से रिलेटेड होती थी, लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट जो बुद्धा की जो लाइफ थी उससे रिलेटेड थीम्स होती थी, और जो जटका स्टोरीज उनके जो प्रीवियस बर्थ थे एनिमल और मैन के उनसे रिलेटेड स्टोरीज से पेंटिंग होती है अजंता केव्स के अंदर. 5 केव्स जो है वो हिनयान फेस से बिलोंगड है, और जो 24 केव्स है वो महायान फेस से बिलोंगड है. महायान और हिनयान दोनों बुद्धिस्ट की क्या है, सेक्ट है. ओके, दोनों सेक्ट है बुद्धिस्ट धर्म की. फाहियान और हियानसांग दोनों चाइनीज ट्रेवलर है. इन दोनों के अकाउंट के अंदर अजंता केव्स का उल्लेख मिलता है. इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इस टाइम की, डाइंग प्रिंसेस एंड फ्लाइंग अप्सरा. ये गाइस देखिए, ये जो पेंटिंग है ये डाइंग प्रिंसेस की है, और ये जो पेंटिंग है ये फ्लाइंग अप्सरा की है.
इलोरा केव्स ये भी औरंगाबाद में है महाराष्ट्र के, इसको लोकली वेरुल लेनी के नाम से जाना जाता है। टोटल 32 केव्स है, उसमें से 16 जो है ब्राह्मणिकल है, 12 बुद्धिस्ट से रिलेटेड है एंड 4 जो है वो जैन केव्स है। ये बिल्ड हुई थी अराउंड 5 AD टू 11 सेंचुरी AD के बीच में ये बिल्ड हुई, मतलब बनाई गई। जो ये बनाई किसके थ्रू गई थी, जो गिल्ड्स होती थी गाइस, गिल्ड्स क्या होती है गाइस, जो व्यापारी संघ होते थे, संघ जो होते हैं व्यापारी जो के जो संघ होते हैं उनको कहा जाता है गिल्ड। जो विदर्भा एरिया जो कि महाराष्ट्र में है, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो गिल्ड थे, जो संघ थे व्यापारी के, उन्होंने इनको बनाया था। डाइवर्सिटी देखने को मिलती है थीम्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल में एलोरा केव्स के अंदर। क्यों गाइस देखने को मिलती है, क्योंकि इस केव्स के अंदर तीनों रिलीजन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इस वजह से डाइवर्सिटी है थीम और आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर। और अजंता के अंदर किसका इन्फ्लुएंस है, सिर्फ बुद्धिस्ट का। ओके गाइस, प्रोमिनेंट केव्स देख लेते हैं एलोरा की। केव नंबर 10 के अंदर जो कि एक चेतिया केव्स है, वो किसको डेडिकेटेड है, विश्वकर्मा को। केव नंबर 14 ये रावण की खाई के नाम से जाना जाती है। ये देखिए, ये जो केव है ये केव नंबर 14 है, रावण की खाई। केव नंबर 15 दश अवतार केव के नाम से जानी जाती है। और इसके अंदर एक फेमस है जो स्टेच्यू, वो है 15 फुट स्टेच्यू ऑफ बुद्धा, जो कि प्रीचिंग पोज में है, मतलब उपदेश दे रहे हैं, ये जो स्टेच्यू है। ठीक है गाइज, ये स्टेच्यू है, ये दश अवतार केव है, जो एलोरा केव्स के अंदर दश अवतार केव है, केव नंबर 15 उसके अंदर ये स्टेच्यू है और बहुत फेमस स्टेच्यू है, प्रीचिंग पोज में बुद्धा। केव नंबर 16 के अंदर कैलाश टेम्पल मिलता है, कैलाश टेम्पल। ये गाइस ये देखिए, कैलाश टेम्पल है, ये केव नंबर 16 में है। ये एक मोनोलिथ है, मोनोलिथ मतलब सिंगल स्टोन से कार्व करके बनाया गया है ये टेम्पल। डेवलप किया किसके पेट्रोनस के अंदर डेवलप हुआ है, राष्ट्रकूता जो थे उनके पेट्रोनस के से डेवलप हुआ है। टू फेमस जैन केव्स है इस एलोरा केव्स के अंदर, वैसे देखा जाए तो बेसिकली 4 है, जो फेमस है वो 2 है, इंद्रा सभा और जगन्नाथ सभा। ओके गाइस याद रखिएगा, केव नंबर 10 चेतिया केव है विश्वकर्मा को, केव नंबर 14 रावण की खाई, केव नंबर 15 दश अवतार केव्स, केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल एंड इंद्रा सभा एंड जगन्नाथ सभा रिलेटेड टू जैन केव्स। डिफरेंस बिटवीन एलोरा एंड अजंता केव क्या है गाइज, डिफरेंस इसमें स्लोप ऑफ माउंटेन। अजंता केव जो है स्टीप स्लोप में है, जैसे माउंटेन का जो खड़ा हुआ स्लोप होता है, जो स्टीप होता है ज्यादा, मतलब एकदम खड़ा जो स्लोप होता है उस एरिया में है, और एलोरा केव स्लैंट पोज में, जो कि एक बैठा हुआ इस टाइप का जो स्लोप होता है उस एरिया में है। ठीक है, और इसी वजह से एलोरा केव के अंदर हमें कोर्टयार्ड आंगन, ठीक है, आंगन देखने को मिलता है, और वो आगन कोर्टयार्ड अजंता केव्स में हमें हमने देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस बाघ केव्स। बाघ केव्स क्या है, मध्य प्रदेश में है, जो बाघ रिवर है उसके किनारे पे बनी हुई है, और ये बुद्धिस्ट केव्स है। टोटल 9 केव्स है और बुद्धिस्ट केव्स है, इसको याद रखिएगा। बाघ केव्स ये कैसे पूछा जा सकता है आपसे कि बाघ केव्स किस से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब याद कैसे रखेंगे, बी इक्वल टू बी, बाघ इक्वल टू बुद्धिस्ट। 6 सेंचुरी AD में डेवलप हुई है, वेरी सिमिलर है अजंता केव्स के। ओके गाइस ये है बाघ केव्स। जूनागढ़ केव्स गुजरात में है, यूनिक फीचर है इस केव्स का, एक इसमें चिटाडेल देखने को मिलता है, जिसको अपर कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रेयर हॉल के सामने है। ये जूनागढ़ केव्स है और ये उसका अपर कोर्ट है। ओके गाइस, नासिक केव्स, नासिक केव्स 23 बुद्धिस्ट केव है, आल्सो नोन एज पांडव लेनी के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी AD के टाइम पे ये बनी, बिलोंग टू हीनयाना पीरियड, हीनयाना पीरियड से बिलोंग करती है, जो उसकी इसलिए इसमें बुद्धा की इमेजेस नहीं है। क्यों नहीं है गाइस, देखिए गाइस दो सेक्ट होती है, हीनयान मेजरली जो सेक्ट होती है, और भी होती है पर मेजर जो सेक्ट है हीनयान एंड महायान। महायान क्या करते हैं, स्टेच्यू जो होता है बुद्धिस्ट का उसको प्रेयर करते हैं, उससे प्रे करते हैं, और जो हीनयान होते हैं वो स्टेच्यू की पूजा नहीं करते। ओके गाइस, वो क्या पूजा करते हैं, वो जो सिंबल होते हैं बौद्ध धर्म के, उनकी पूजा करते हैं, जैसे कि फुटप्रिंट हो गए बुद्धा के, थ्रोन हो गया बुद्धा के। इसलिए ये केव जो है हीनयान पीरियड से रिलेटेड है और इसमें बुद्धा की कोई इमेजेस नहीं है। टिप्स और सिंबल देखने को मिलते हैं, जैसे कि थ्रोन हो गया, फुटप्रिंट हो गए, बुद्धा की इमेजेस हमें नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हीनयान पीरियड से रिलेटेड है।
ये देखिए गाइस, ये नासिक केव्स है। मंडपेश्वर केव, ये भी महाराष्ट्र में है, मोंटेपेरीर के नाम से भी जाना जाता है इनको, डेडिकेटेड टू शिवा को डेडिकेटेड है। और ब्राह्मणिकल केव है ये गाइस, याद रखने के लिए देखिए, महाकाल के नाम से भी जाना जाता है शिवा को। तो एम इक्वल टू एम, मंडपेश्वर का एम और महाकाल का एम, तो शिवा से रिलेटेड है। ब्राह्मणिकल केव थी और उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया क्रिश्चियन केव के अंदर। ये देखिए मंडपेश्वर केव जो कि महाराष्ट्र में है। स्तूपाज देख लेते हैं, गुप्ता एज में स्तूपाज का क्या हुआ, डिक्लाइन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा। स्तूपाज का डेवलपमेंट में डिक्लाइन आई, गिरावट आई। एक धामेक स्तूप देखने को मिलता है जो कि फाइन एग्जांपल है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, पर मेजरली क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट में डिक्लाइन आया स्तूपा के। तो याद रखिएगा गुप्ता एज में स्तूपा की आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट में कमी आई। स्कल्पचर में देखिए गाइस, गुप्ता एज के स्कल्पचर में एक न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप हुआ जिसको सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर के नाम से जाना गया। इससे पहले पोस्ट मॉडर्न आर्ट में हमने तीन स्कल्पचर देखे थे, स्कूल देखे थे स्कल्पचर के, गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल एंड क्या कौन सा था लास्ट, अमरावती स्कूल। ओके गाइस, ये तीन स्कूल थे स्कल्पचर के। चौथा जो गुप्ता एज में आया वो है सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर। इसके फीचर देखिए गाइस, क्रीम कलर के सैंडस्टोन का यूज किया गया है। ये देखिए क्रीम कलर का सैंडस्टोन है, मेटल का यूज किया गया है इसके अंदर। ये देखिए मेटल का यूज किया गया है, सुल्तानगंज में एक बुद्ध का स्टेच्यू, उसमें मेटल से ये बनाया गया है। ड्रेस्ड कंप्लीटली ड्रेस्ड है जो कि स्टेच्यू जो बनाया गया है, कंप्लीटली ड्रेस है। ये देखिए ड्रेस पूरी पहना रखी है बुद्ध को और इसके अंदर नेकेडनेस नहीं है। ओके गाइस, होलो जो है, हेलो है जो इंट्रिकेटली डेकोरेटेड है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है ये हेलो इसे स्कूल के अंदर, सारनाथ स्कूल के अंदर जो हेलो है वो एक अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टेंपल आर्किटेक्चर। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव ट्रीज एंड एनरिच योरसेल्फ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल जॉइंट। इस लेक्चर में हम गुप्ता एज को कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर इमर्जेंस ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर देखेंगे जो कि गुप्ता एज में हुआ। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट, द लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। गाइस पहले बेसिक फीचर देख लेते हैं हिंदू टेंपल के, जो ऑलमोस्ट ऑल स्टाइल ऑफ हिंदू टेंपल्स में मिले देखने को मिलते हैं हमें। देखिए गाइस शिखारा, शिखारा क्या होता है गाइस, एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डोम भी कह सकते हैं, या गुंबद जो डोम होता है उस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह का, ये देखिए डोम की तरह का स्ट्रक्चर है और इसका जो शेप होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, पिरामिडल जो कि पिरामिड की तरह से लेकर कर्विलिनियर शेप होता है। ये देखिए गाइस, ये जो स्ट्रक्चर है शिकारा का, ये ऊपर का जो पोर्शन है गाइस, ये जो होता है शिकारा होता है, ये ऊपर का जो पोर्शन है ये शिकारा है, और ये जो है ये कौन सा शेप है, पिरामिडल शेप है, पिरामिड की तरह शेप है, और ये जो शेप है शिकारा का ये कर्विलिनियर शेप है। ओके गाइस, सेंक्टम सेंक्टोरम, इसको गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता है जो कि प्रिंसिपल डीटी रूम होता है, प्रिंसिपल जो भी देवी देवताओं का मंदिर है, जिस देवी देवता का मंदिर है उसका जो रूम होता है, मेन रूम जो होता है उसको गर्भगृह कहा जाता है। मंडपा क्या होता है गाइज, ये एंट्रेंस होती है टेम्पल की, और या तो ये एक होल होता है या फिर छज्जा होता है जो कि पिलर के सपोर्ट से बना होता है। देखिए गाइज इस तरह का होता है, ये छज्जा है और ये पिलर के सपोर्ट से खड़ा हुआ है, इसको कहते हैं मंडपा। और ये बेसिकली होता किस लिए, ये जो वर्शिपर होते हैं उनको जगह देने के लिए, बैठने के लिए होता है, जिस पर जहां बैठ के वर्शिप करते हैं। वाहना, वाहना क्या होता है, ये एक माउंट या व्हीकल होता है जो मेन डीटी होता है उसके लिए होता है ये, जैसे कि और किसके सामने होता है, जो गर्भगृह होता है, जो गर्भगृह होता है उसके एकदम सामने होता है ये वाहना, जो कि बिफोर सेंक्टम सेंक्टोरम एकदम गर्भगृह के सामने होता है। होता क्या है गाइस, देखिए बेसिकली देखिए जो वाहन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गणेश जी है, अगर गणेश जी का टेंपल है तो उनका वाहन होता है माउस, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर उनके जो गर्भगृह के सामने बना होता है। ये बेसिक फीचर होता है जो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलते हैं हर हिंदू स्टाइल में। आगे देखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर गाइस क्या हुआ, जैसे ही ये अपने को फाउंडेशन मिली किसकी, स्क्वायर सेंक्टम की, स्क्वायर गर्भगृह और पिलर्ड पोर्च कि जैसे ही हमें फाउंडेशन मिली या इमर्ज हुआ इनका, उसको हम कह सकते हैं कि टेंपल आर्किटेक्चर का
जन्म हुआ, फाउंडेशन हुई किसके अंदर? गुप्ता पीरियड के अंदर। गुप्ता पीरियड के अंदर ही स्क्वायर सेंक्टम और पिलर्ड अप्रोच आई, जिसको हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। इसी के साथ इसका धीरे धीरे प्रोग्रेशन हुआ, जिसमें फ्लैट रूफ्ड मोनोलिथिक टेम्पल। मोनोलिथिक टेम्पल का इसके होता है जो सिंगल स्टोन से कार्व करके बनाए जाते हैं, वो होते हैं मोनोलिथिक टेम्पल। उससे लेकर इनिशियल फेज में मोनोलिथिक और फ्लैट रूफ बनते थे, उसके बाद स्कल्पचर्ड सिकारा देखने को मिलते हैं हमें लेटर ईयर्स में टेम्पल्स के अंदर। और जो ये प्रोग्रेशन हुआ इसको हम फाइव स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज देखिए गाइस, इसके अंदर आपको फ्लैट रूफ देखने को मिलेगी, जो छत है वो फ्लैट मिलेगी, स्क्वायर शेप में मिलेंगे जो टेम्पल है, और जो पोर्च है, जो पोर्च जो होती है, जो छज्जा है, वो शेलो पिलर पे, पिलर जो होते हैं उस पे खड़ा होता है, ठीक है। और जो एंटायर स्ट्रक्चर जो होता है वो लो प्लेटफॉर्म पे बना होता है। देखिए गाइस, ये एग्जांपल है जो टेम्पल नंबर 17 है सांची के अंदर, वो इसका एग्जांपल है। जो रूफ है इसकी देखिए फ्लैट है, कोई शिकारा नहीं है इसके ऊपर, और जो स्क्वायर शेप में है पूरा टेम्पल, और जो पोर्च है देखिए, छज्जा जो है किस पे है, पिलर पे टिका हुआ है, इसको मंडपा भी कहते हैं, ये जो है मंडपा है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा लो प्लेटफॉर्म पे है, ये देखिए ज्यादा ऊंचा प्लेटफॉर्म नहीं है, बिल्कुल छोटा, मतलब लो प्लेटफॉर्म है। सेकंड स्टेज में गाइस देखिए, सेकंड स्टेज में क्या था, मोस्ट ऑफ द फीचर जो थे जो लास्ट फेज है, जो फर्स्ट फेज है उसी के थे, पर इसका जो प्लेटफॉर्म था वो ऊंचा कर दिया गया। इसमें देखिए गाइस, ये प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा हो गया है, लास्ट फेज में इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म नहीं था। और एक जो इंपॉर्टेंट एडिशन हुआ वो हुआ प्रदक्षिणा पथ का। प्रदक्षिणा पथ जिसको एम्बुलेटरी पासेज भी कहा जाता है, वो इसमें इंक्लूड हुआ है। गाइस होता क्या है, जो गर्भगृह होता है जिसको हम सेंक्ट्रम सेंक्टोरम भी कहा जाता है, गर्भगृह के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है इस स्टेज के अंदर, जिसमें वर्शिपर इसका चक्कर लगा के वर्शिप कर सके, मतलब प्रदक्षिणा कर सके इसकी। ये जो गर्भगृह है बीच में, इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है जो इस फेज के अंदर ऐड हुआ। पार्वती टेंपल जो कि एमपी में है वो इसका एग्जांपल है। थर्ड स्टेज में गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ शिकारा हुआ, शिकारा का इमर्जेंस हुआ। हाउएवर जो शिकारा थे वो कैसे थे, लो थे अभी भी और ऑलमोस्ट स्क्वायर ही दिखते थे, पर इमर्जेंस हुआ थर्ड फेज के अंदर शिकारा का। ये देखिए जो शिकारा है इसमें इमर्जेंस हुआ, पर ज्यादा ऊंचे नहीं है, ओके गाइस। और एक इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर वो हुआ पंचायतन स्टाइल जो है टेंपल मेकिंग की, वो इंट्रोड्यूस की गई। गाइस होती क्या है पंचायतन स्टाइल, इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल डीटी होता है, जो प्रिंसिपल देवी देवता होते हैं, उसके चारों तरफ सब्सिडरी देवी देवताओं के चार श्राइन बनाए जाते हैं और टोटल पांच श्राइन हो जाते हैं, उसको कहते हैं पंचायतन स्टाइल। और इस स्ट्रक्चर में होता है ये, पहला प्रिंसिपल डीटी बीच में और चार चारों तरफ उसके सब्सिडरी श्राइन होते हैं छोटे छोटे देवी देवताओं के। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्रॉस स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, क्रॉस स्ट्रक्चर में ये होता है पंचायतन स्टाइल। दश अवतार टेम्पल है जो देवगढ़ यूपी में है, वो इसका एग्जांपल है। ये देखिए, ये जो मेन श्राइन है और इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे इसके चार श्राइन है चारों तरफ, और क्रॉस स्ट्रक्चर का प्रूफ देते हैं ये। फोर्थ स्टेज में भी गाइस देखिए, जो स्ट्रक्चर है जो ऑलमोस्ट सिमिलर ला लास्ट स्टेज की तरह, एक जो मेन फीचर इसमें ऐड हुआ वो क्या था, जो मेन श्राइन होता है, मेन श्राइन जो बीच का जो होता है श्राइन, उसको रेक्टेंगुलर बना दिया गया, मेन श्राइन को रेक्टेंगुलर कर दिया गया, और जो सब्सिडरी श्राइन थे वो कैसे थे, उनको स्क्वायर ही रखा गया, ओके गाइस। ये था फोर्थ स्टेज में। और फिफ्थ स्टेज में गाइस हुआ एक सर्कुलर टेम्पल इंट्रोड्यूस हुए इसके अंदर, और रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन के साथ, प्रोजेक्शन मतलब जो दीवार थी चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर दीवार बनाई गई, उसके बीच में सर्कुलर टेम्पल बनाए गए। अब देखिए ये एग्जांपल देखिए गाइस, ये जो है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा का पूरा, और बीच में सर्कुलर टेम्पल है, ये इसका अंदर का एरिया है, देखिए रेक्टेंगुलर सॉरी सर्कुलर टेम्पल है और उसके चारों तरफ रेक्टेंगुलर दीवार बना दी गई है, शेलो, शेलो मतलब डीप, ठीक है, डीप दीवार है एक, उसके चारों तरफ रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन, ये फिफ्थ स्टेज में इंट्रोड्यूस हुआ, ओके गाइज। ये फाइव स्टेज थे टेंपल स्ट्रक्चर की इवोल्यूशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे नागारा स्टाइल जो होती है टेंपल्स की, नागारा स्टाइल मतलब डिफरेंट जो स्टाइल है, नागारा स्टाइल हो गई, ड्रेविडियन स्टाइल हो गई, होयसला स्टाइल हो गई, ठीक है, पाला स्टाइल हो गई, ये हम सारी स्टाइल और इनके फीचर्स कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव ट्रीज एंड एनरिच योरसेल्फ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल ज्वाइंट में। लास्ट लेक्चर में हमने जो आर्ट एंड कल्चर का लास्ट लेक्चर था उसमें जो
evolution of temple हुआ, किसके अंदर? गुप्ता एज के अंदर जो evolution of temple हुआ था वो हमने कवर किया था। इस लेक्चर के अंदर हम आर्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो स्कूल हुए थे अलग अलग टेम्पल आर्किटेक्चर के, वो कवर करेंगे। इसके अंदर नागरा स्कूल जो हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर का, वो कवर करेंगे। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट, लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, बेसिकली ये जो मेन स्टाइल है देखी जाती है इंडिया के अंदर, नागरा स्टाइल, ड्रेविडियन स्टाइल, नायका स्टाइल, वैसारा स्टाइल, होयसल स्टाइल, विजयनगर स्टाइल एंड पाला स्टाइल। जो नागरा स्टाइल है और इसकी जो सब स्टाइल है उसको हम नॉर्थन स्कूल कहा जाता है, नॉर्थन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और जो ड्रेविडियन, नायका, वैसारा, होसाला और विजयनगर, ये सारी को मिला के कहा जाता है साउथर्न स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। पाला स्टाइल जो कि बंगाल रीजन में डेवलप हुई थी, एक सेपरेट स्टाइल है जो कि पाला स्टाइल के नाम से जानी जाती है और बंगाल रीजन में डेवलप हुई थी। नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर गाइज नॉर्थन पार्ट में डेवलप हुई और 5th century AD ऑनवर्ड्स ये डेवलप हुई थी। इसके सब स्कूल जो है इस आर्ट के, वो है सोलंकी जो कि वेस्टर्न पार्ट में, खाजुराहो सेंट्रल पार्ट में, और ओडिशा ईस्टर्न पार्ट में डेवलप हुआ इंडिया के। ओके गाइज, फीचर देखते हैं, जो मेन फीचर्स होते हैं इसके, पंचायतना स्टाइल देखने को मिलती है टेम्पल आर्किटेक्चर में। मैंने बताया था गाइज लास्ट लेक्चर में पंचायतना स्टाइल क्या होती है, जो एक मेन डेटी, जो मेन देवी देवता होता है उसका श्राइन जो होता है बीच में होता है, और उसके सब्सिडरी जो देवी देवता होते हैं उसके श्राइन चार उसके साइड में होते हैं। इस स्टाइल को कहा जाता है पंचायतना स्टाइल। असेंबली हॉल जो इसको मंडपा कहा जाता है, वो प्रिंसिपल श्राइन जो होता है, जो प्रिंसिपल श्राइन होता है उसके सामने, जैसे कि प्रिंसिपल श्राइन है फॉर सपोज, तो ये क्या है मंडपा, इसके सामने मिलेगा। ओके गाइस, और नो वाटर टैंक्स और रिजर्वर इसमें देखने को मिलते हैं, मतलब कोई वाटर टैंक नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे कि पानी के जो कुंड होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं हमें नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में। अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना होता है और जो बाउंड्री वॉल होती है टेम्पल में वो नहीं होती है, जैसे कि सपोज करो ये टेम्पल है और इसके चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल होगी वो नहीं होती है जनरली। ओके, जनरली याद रखिए, जनरली नहीं होती है नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में। जो पोर्च या फिर पोर्टिको जो होते हैं उसमें पिलर अप्रोच्ड है, जो मंडपा जो होती है, जो पोर्च जो छज्जे होते हैं, ओके, उस पे क्या होते हैं, वो पिलर पे सपोर्टेड होते हैं। नागरा स्कूल में पिलर अप्रोच है छज्जों की। आउटसाइड द गर्भगृह, जो गर्भगृह है, जो मेन डेटी रूम होता है, मेन देवी देवता होता है उसका जो रूम होता है उसको गर्भगृह कहा जाता है, जिसके अंदर उनकी मूर्ति जो प्रतिमा होती है वो लगाई जाती है। उसके गर्भगृह के बाहर पे रिवर गोडेस, गंगा और यमुना प्लेस्ड किए जाते हैं नागरा स्टाइल में। जो शिकारा होता है, शिकारा जो गुंबज होता है, मेन जो गुंबज होता है जो कि गर्भगृह के ऊपर होता है, ये जो है गाइज ये शिकारा है। ओके, इसके जो शिकारा के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल डिस्क होती है उसको कहते हैं अमलका, ठीक है, ये रहा अमलका, है ना, और अमलका के ऊपर स्पेरिकल शेप का एक आइटम होता है उसको कहते हैं हम कलश। और जो प्रदक्षिणा पथ होता है वो गर्भगृह जो होता है उसके चारों तरफ होता है, जो कि प्रदक्षिणा करने के लिए होता है। देखिए इसमें ये जो गर्भगृह है इसके चारों तरफ ये जो है, ये जो पास है, ये जो जगह है, ये क्या है, प्रदक्षिणा पथ है। ओके, यहाँ पर प्रेयर करने के बाद लोग प्रदक्षिणा करते हैं। जो वॉल होती है टेम्पल की डिवाइडेड होती है जनरली थ्री पार्ट में डिवाइड होती है, उसको जो डिवाइडेशन होता है उसको हम कहते हैं रथास। ओके, और जो टेम्पल जो तीन पार्ट में डिवाइड होता है उसको कहते हैं त्रिरथा टेम्पल। ओके, और आने वाले टाइम में त्रिरथा जो है पंचरथा, सप्तरथा और नवरथा टेम्पल में भी आगे चल के हुए नागरा स्टाइल में। तो ये देखिएगा इस कैसे होता है ये रथा, देखिए जैसे जैसे की वॉल है बाहर की टेम्पल की उसमें फर्स्ट डिविजन ये सेकेंड और ये जो नीचे जाके ये थर्ड, ठीक है, ऐसे ही ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो डिविडेशन है पूरा का पूरा इसको कहते हैं हम रथास। तो ये त्रिरथा टेम्पल हो गया। ऐसे ही अगर फाइव डिविजन होंगे इसके, 1, 2, 3, 4, 5, तो पंचरथा एंड 7 होंगे तो सप्तरथा, ऐसे ही 9 होंगे तो नवरथा टेम्पल कहलाए जाएंगे ये। ओके गाइज, और उसके बीच में गर्भगृह होता है, गर्भगृह के पास में क्या होता है प्रदक्षिणा पथ जो उसके चारों तरफ से घेरा हुआ होता है, उसके आगे मंडपा, गर्भगृह के सामने एकदम मंडपा होता है। ओके, शिकारा के ऊपर अमलका, अमला के ऊपर कलश। शिकारा जो होते हैं जनरली थ्री टाइप्स के पाए गए हैं नागरा स्कूल में। पहला होता है लेटिना या फिर रेखा प्रसाद शिकारा, ये होता है गाइज, ये देखिए लेटिना और रेखा प्रसाद शिकारा। स्क्वेयर जो बेस होता है उसका, वो स्क्वेयर होता है, जो बेस है ये स्क्वेयर है
और जो वॉल होते हैं वो कर्व्ड होते हैं इनवर्ड और एक पॉइंट में जाके मिल जाती है। ओके, सेकंड होता है पमसाना सिकारा। यह है पमसाना सिकारा, बेसिकली क्या होता है, छोटा होता है ये लेटिना से, लेटिना जो ये लेटिना है लेटिना से छोटा होता है, देखिए छोटा है, और ब्रॉडर बेस होता है, इसका जो बेस होता है वो ब्रॉडर होता है लेटिना सिकारा से, और रूफ जो होती है वो सेवरल स्लैब से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये देखिए स्लैब 1 2 3 4 5 ऐसे स्लैब से मिलकर बनी हुई है। आगे देखिए थर्ड होता है वो वल्लभी सिकारा। वल्लभी सिकारा में क्या होता है, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग होती है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये देखिए रेक्टेंगुलर बेस है इसका, ना कि स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर बेस है, और जो आगे जाके ऊपर जाके जो रूफ होती है वो वॉल्टेड चैम्बर की तरह होती है, एक चैम्बर की तरह होती है, वॉल्टेड चैम्बर की तरह, ये देखिए ऐसी होती है इसकी, और इसको वैगन वॉल्टेड रूफ भी कहा जाता है। ठीक है, वैगन मतलब जो गाड़ी होती है, ठीक है, काठ जो होती है। थ्री सब स्कूल होते हैं नागरा स्कूल आर्किटेक्चर के, ओडिशा स्कूल, खाजुराहो स्कूल और सोलंकी स्कूल। ओडिशा स्कूल में देखिएगा जो कलिंगा एम्पायर में डेवलप हुआ है, एक्सटीरियर और एक्सटीरियर जो वॉल होती है, मेनली जो एक्सटीरियर वॉल होती है वो लेविशली डेकोरेटेड होती है, बहुत ज्यादा डेकोरेटेड होती है, और जो इंटीरियर वॉल होती है वो डेकोरेटेड नहीं होती है। ठीक है, याद रखिए एक्सटीरियर बाहर की जो दीवार होती है वो डेकोरेटेड और अंदर की दीवार डेकोरेटेड नहीं होती है। पिलर, जो पोर्च के अंदर पिलर का यूज नहीं किया गया, याद रखिए नो यूज ऑफ पिलर इन पोर्च, उसकी जगह आयरन गेडर्स का यूज किया गया है पिलर्स की जगह पर। जो शिकारास है उनको रेखा ड्यूज के नाम से जाना जाता है, और मंडप्स है जो उनको जगमोहन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ओडिशा स्कूल में शिकारास को रेखा ड्यूज और मंडप्स को जगमोहन के नाम से जाना जाता है। और जो ग्राउंड प्लेन्स होता है वो स्क्वायर होता है इसका, ठीक है, ये स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर है देखिए पूरा पूरा प्लेन स्क्वायर है, और ये जो शिकारा है उसको किसके नाम से, रेखा ड्यूल्स के नाम से जाना जाता है, रेखा ड्यूल, ये अमलका हो गया, क्लश हो गया, और मंडपस को जगमोहन के नाम से। और जो बाउंड्री वॉल से सराउंडेड होता है, याद रखिएगा गाइस मैंने बताया था जनरली सराउंडेड नहीं होता है नागरा स्कूल, पर ओडिशा स्कूल में क्या खासियत है, ओडिशा स्कूल जो है बाउंड्री वॉल से सराउंडेड होता है। देखिए जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का जो कि ओडिशा में है, और ये जो बाउंड्री वॉल है पूरी बाउंड्री वॉल से सराउंड, बीच में टेम्पल है और चारों तरफ उसके एक बाउंड्री वॉल है, और ये बाउंड्री वॉल हमें ड्रेविडियन स्टाइल है जो टेम्पल आर्किटेक्चर की उसमें भी देखने को मिलती है। ओके गाइस याद रखिए सन टेम्पल, इसके एग्जांपल है सन टेम्पल कोणार्क जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, खाजुराहो स्कूल। बेसिकली देखा जाए तो चंडेला रूलर्स थे जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के, जो मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं, बेसिकली जो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, उन्होंने इसको डेवलप किया, और इसी वजह से इसको चंडल स्कूल भी, चंडेल स्कूल भी कहा जाता है। फीचर्स देखिए सैंडस्टोन से बने थे, और इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही वॉल लेविशली डेकोरेटेड है, याद रखिएगा खजुराहो स्कूल की इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल दोनों ही डेकोरेटेड होती है, और ओडिशा स्कूल की सिर्फ एक्सटीरियर मतलब बाहर की दीवार ही डेकोरेटेड होती है। ओके गाइस, स्कल्पचर जो होते हैं देखने को मिलते हैं, जनरली एरोटिक स्कल्पचर देखने को मिले हैं, और उनकी जो थीम्स ली गई है वो जो कामसूत्रा बुक है वत्स्यायना की उससे ली गई है। ओके गाइस, जो टेंपल है जनरली क्या होता है, नॉर्थ या फिर ईस्ट फेसिंग होते हैं, पंचायतना स्टाइल को ही फॉलोड किया गया है इसके अंदर, और जो सब्सिडरी श्राइन होते हैं पंचायतना स्टाइल में, जो सब्सिडरी श्राइन होते हैं उसमें भी रेखा प्रसाद शिकारास देखने को मिलते हैं, तो उससे जो पूरा टेंपल क्या लगता है, एक माउंटेन रेंज की तरह रखता है, पर्वत श्रृंखला की तरह रखता है। इसमें देखिए केंद्रीय महादेव टेंपल है खजुराहो का, उसमें जो एक मेन श्राइन है, मेन शिकारा है, उसमें जो सब्सिडरी श्राइन है उनके जो शिकारास है, छोटे छोटे शिकारास है, देखिए ये जो एक माउंटेन रेंज की तरह लग रहा है पूरा टेंपल इसी की वजह से। और इसमें देखिए ये जो बाहर केंद्रीय महादेव के जो बाहर की दीवार है उसमें जो स्कल्पचर यूज किए गए वो एरोटिक स्कल्पचर है, ठीक है, उनकी थीम जिनकी थीम ली गई है कामसूत्रा बुक से। ओके गाइस, टेंपल जो है जनरली उसको थ्री चैम्बर में डिवाइड किया गया है खजुराहो आर्ट के अंदर, गर्भगृह, मंडपा और अर्ध मंडपा। एक्चुअली क्या देखा जाता है गाइस, जो ये खजुराहो स्टाइल के टेंपल है उसमें एक मंडप नहीं होता, दो तीन मंडप्स बनाए जाते हैं, तो जो आगे का मंडप या बड़ा मंडप होता है उसको ग्रेट हॉल, फिर बीच वाले को हॉल या फिर मंडपा, और अर्ध मंडपा जो भी
अर्धमंडपा जो कि एंट्रेंस पे होता है उसको कहा जाता है। सम टेम्पल जो कुछ टेम्पल है उसके अंदर अंतराला भी देखा गया। अंतराला क्या होती है गाइस, जो एक इंटरमीडिएट चैम्पल होता है जो कि गर्भगृह और मंडप का मंडपा होता है उसके बीच में होता है और उसको ज्वाइंट करता है, उसको कहते हैं अंतराला। ओके, कुछ टेम्पल्स में देखा गया ये, इसके अंदर जैसे अंतराला देखने को मिलता है, ये जो शिकारा होता है जो गर्भगृह होता है उसको और मंडपा को ज्वाइंट करता है। रिलेटिवली ये हाई प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल केंद्रीय महादेव टेम्पल जो कि खाजुराहो मध्य प्रदेश में है। ओके गाइस, सोलंकी स्कूल जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डेवलप हुआ इंडिया के, पर्टिकुलरली देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान में डेवलप हुआ और सोलंकी रूलर के पेट्रोनेस से ये डेवलप हुआ। फीचर देखने को मिलता है नो कार्विंग ऑन टेम्पल वॉल। ठीक है गाइस, याद रखिए नो कार्विंग। अब उसमें देखेंगे ओडिशा स्कूल के अंदर एक्सटीरियर कार्विंग है, ठीक है, और खाजुराहो के अंदर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों के अंदर कार्विंग है, और जो सोलंकी स्कूल है दोनों के अंदर ही कार्विंग नहीं है। ओके, गर्भगृह है जो जनरली कनेक्टेड होता है मंडपा से इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। देखिए गाइस, ये जो टेंपल है ओपन होते थे, बीच में ये जो है ये गर्भगृह है और उसके भारी मंडपा है, ठीक है, ओपन होने की वजह से ये कनेक्टेड होते थे एक दूसरे से। जो पोर्च है और डेकोरेटिव आर्च होता है उस पे और उसको टोरेंस कहा जाता है। टोरेंस मैंने बताया था गेटवे होता है या फिर डूर्स होते हैं, जब मैंने मॉडर्न आर्ट कवर करी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था, उस स्तूपाज के अंदर पोर्टिको जो होता है डेकोरेटिव आर्च होता है और उनको टोरेंस कहा जाता है। यूनिक फीचर देखिए इसका, इसमें स्टेप टैंक्स जिसको सूर्य कुंड होता है वो टेम्पल के पास देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, ये जो है ये स्टेप टैंक्स है, ये जो है, ठीक है, ये जो है स्टेप से उतर के सीधे जो कुंड आएगा पानी को उसको स्टेप कुंड कहा जाता है, और इसके अंदर जो है हमें छोटे छोटे स्मॉल टेम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये स्मॉल टेम्पल, ये जो है छोटे छोटे स्मॉल टेम्पल है और इसके अंदर वुडन कार्विंग देखने को मिलती है इन छोटे छोटे टेम्पल्स के अंदर। ठीक है, ये इसका यूनिक फीचर है। वैरायटी ऑफ मटेरियल्स का यूज किया गया है, सैंडस्टोन, ब्लैक बेसल, सॉफ्ट मार्बल का भी यूज किया गया है। जनरली जो टेम्पल होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टेम्पल है इसके सोलंकी स्कूल के, वो ईस्ट फेसिंग है और ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि एवरी ईयर जब भी इक्विनॉक्स आता है उस टाइम पे जो सनराइज होती है वो डायरेक्टली किस पे फॉल होती है, सेंट्रल श्राइन पे फॉल होती है। ओके गाइस, अब देख लेते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स गाइस क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है, सॉरी जो अर्थ होती है वो सन के रिवॉल्व करती है पूरे ईयर में, जो रिवोल्यूशन होता है उसमें एक टाइम पीरियड ऐसा आता है, उस टाइम पे क्या होता है जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है और नीचे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ पे ये होती है और बीच में होता है 0 डिग्री पे इक्वेटर। ये जो पीरियड होता है इस एरिया को कहा जाता है ट्रॉपिक्स। ठीक है, ये जो एरिया होता है इस पे इक्विनॉक्स पे टाइम पे सनराइज जो होती है सीधी पड़ती है। ओके, इस टाइम पे जब सनराइज सीधी पड़ती है तो ये टेंपल ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि सीधी जो सनराइज आती है वो सेंट्रल श्राइन पे पड़ती है और इसलिए ये इन पे रोशनी आती है, इसी वजह से इनको सन टेंपल भी कहा जाता है। ये है सन टेंपल ऑफ मदोरा, गुजरात के अंदर है। ओके गाइस, ये हमारा सोलंकी स्कूल भी हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ड्रेविडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर जो कि टेंपल आर्किटेक्चर कवर करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं साउथर्न आर्ट को हम कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव ट्रीज एंड एनरिच योरसेल्फ। दोस्तों वेलकम टू सिविल जॉइंट। हमारी आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमने नागारा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर जो था उसको कवर कर लिया और उसके जो सब स्कूल थे, तीन जो सब स्कूल थे उसके, सोलंकी स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, खाजुराहो स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर और लास्ट कौन सा था गाइस, याद कीजिए, याद नहीं आ रहा, वो था ओडिशा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। इन सबको हमने कवर कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम साउथ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर का जो इवोल्यूशन हुआ उसको, उसकी जो स्टेजेस थी उसको कवर करेंगे। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट, लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। टेंपल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का टेंपल आर्किटेक्चर माना जाता है कि जो महेंद्र वर्मन थे जो कि एक पल्लवा रूलर थे उनके टाइम से माना जाता है कि साउथ इंडिया में टेंपल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ। पल्लवा डायनेस्टी के जो टेंपल है उसमें अलग अलग स्टाइल देखने को मिलती है, अलग अलग स्टाइल जो कि इंडिविजुअल रूलर से प्रभावित थी, मतलब हर इंडिविजुअल रूलर का अलग अलग स्टाइल देखने को मिला इसके अंदर और उसको हम
फोर स्टेज में क्लासिफाइड करते हैं, और इन फोर स्टेज को गाइज हम देखेंगे। महेंद्र द्रा ग्रुप जो कि फर्स्ट स्टेज थी पल्लवा टेंपल आर्किटेक्चर की, जो कि महेंद्र वर्मन के काल में चालू हुई, और बेसिकली देखा जाए तो ये रॉक कट टेंपल्स होते, जो रॉक होती थी उसी को कट करके टेंपल्स बनाए जाते थे, और टेंपल्स को कहा जाता था मंडपा। देखिए गाइस इसमें जो इस स्टेज में टेंपल को मंडपास कहा जाता था, पूरे टेंपल को मंडपास कहा जाता था, अनलाइक नागरा स्टाइल। नागरा स्टाइल में मंडपास क्या थे, असेंबली हॉल जो होते थे उसको मंडपा कहा जाता था। नरसिम्हा ग्रुप इसको सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है साउथ इंडिया की। इसमें जो रॉक कट टेम्पल थे उसमें जो उसके अंदर रॉक कट टेम्पल के साथ स्कल्पचर्स जो को भी डेकोरेटेड, स्कल्पचर से भी डेकोरेटेड किया जाने लगा, किसको, रॉक कट टेम्पल्स को। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या था, रॉक कट टेम्पल था, सेकेंड स्टेज में रॉक कट टेम्पल को डेकोरेट किया जाने लगा किससे, स्कल्पचर से। ये नरसिम्हा वर्मन के काल में चालू हुआ सेकेंड स्टेज। इसमें क्या था, जो मंडपास थे उनको डिवाइड कर दिया गया किसके अंदर, रथास के अंदर। ओके, इसके अंदर बिगेस्ट रथा कौन सा है, धर्मराजा रथा, और स्मॉलेस्ट है द्रौपदी रथा। ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर सक्सेसर है किसकी, धर्मराजा रथा की। धर्मराजा रथा गाइस देखिए ये है धर्मराजा रथा, ठीक है। ड्रेविडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर जो आने इसके बाद जो आई, इन स्टेजेस के बाद पल्लवा आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर के बाद ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आया, उसी को इसको सक्सेसर कहा गया किसका, धर्मराजा रथा का। ओके, जो ड्रेविडियन आर्ट है उसका जो ज्यादातर फीचर इसी रथा से देखने को मिलते हैं, इसको इसका बर्थ प्लेस माना जाता है। ओके गाइस, पंचरथा, ठीक है, ये नोट देखिए गाइस, पंचरथा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है मोन्यूमेंट्स का महाबलीपुरम में, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट पे। पंचरथा जिसको फाइव रथा या फिर पांडव रथा के नाम से भी जाना जाता है, कब बने थे ये, लेट सेवन सेंचुरीज में बने थे, और दो किंग थे उनके अंडर में डेवलप हुए थे, किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट और उनके सन थे जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, दोनों ही पल्लवा किंगडम के रूलर थे। इसको हम कहा जा सकता है कि एक इनोवेशन था नरसिम्हा वर्मन के, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के स्ट्रक्चर पहले इंडियन आर्किटेक्चर में देखने को नहीं मिले। ओके, तो ये एक इनोवेटिव थे किसके, नरसिम्हा वर्मन के। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, उसमें इसको जगह मिली हुई है। जो ईच फाइव मोन्यूमेंट्स है, ठीक है, फाइव मोन्यूमेंट्स का जो कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा, ये देखिए फाइव मोन्यूमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, ये फाइव मोन्यूमेंट्स का जो कॉम्प्लेक्स है वो एक रथ की तरह, एक चैरियट की तरह दिखता है, इस वजह से इसको पंचरथा नाम दिया गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है एक रथ की तरह दिखता है देखने से, और जो कि ईच जो अलग अलग जो रथ है, ठीक है, सिंगल रथ को एक सिंगल स्टोन से कार्व करके बनाया गया है, एक मोनोलिथ है, क्यों, समझ गए गाइस। देखिए ये अलग अलग है, पांच रथ जो है, धर्मराजा रथ, भीमा रथ, अर्जुन रथ, नकुला, शाहदेव रथ और द्रौपदी रथ, ये पंच रथ है। अलग हर एक रथ को एक सिंगल स्टोन से जो एक जिसको मोनोलिथ कहा जाता है उससे कार्व करके बनाया गया है, और पांचों को एक साथ कहा जाता है पंचरथ। ओके, क्योंकि ये एक चैरियट की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इसकी राजसीमा ग्रुप, थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट अंडर राजसीमा वर्मन के काल में ये चालू हुई। इसके अंदर रियल स्ट्रक्चर जो टेम्पल थे वो स्टार्ट हुए, ठीक है, और किसकी जगह पे स्टार्ट हुए, रॉक कट टेम्पल की जगह पे। पहले क्या था, रॉक कट टेम्पल थे उसकी जगह पे इस स्टेज में क्या है, रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल आए। ओके, शोर टेम्पल महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में वो इसका एग्जाम्पल है, और कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम वो भी तमिलनाडु में वो भी इसका एग्जाम्पल है। ओके गाइस, तो राजसीमा ग्रुप के अंदर आए रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल। नेक्स्ट है और लास्ट स्टेज है नंदी वर्मन ग्रुप, फोर्थ स्टेज ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर अंदर पल्लवा डायनेस्टी। टेंपल जो थे इसके अंदर स्मॉलर इन साइज के थे, मतलब कि जो टेंपल था उसको छोटा कर दिया गया लास्ट थ्री स्टेज के कंपेयर में, और इसके जो फीचर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके, ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर के, ठीक है, जिसको हम आगे कवर करेंगे। क्या हुआ गाइस, जब डिक्लाइन हुआ पल्लवा डायनेस्टी का, उसके साथ ही एक न्यू स्टाइल का जन्म हुआ किसके अंडर में, चोला किंगडम के अंदर में, जिसको ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसी के साथ ये एक न्यू एरा का जन्म हुआ किसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ टेंपल इन साउथर्न इंडिया के अंदर एक न्यू एरा का स्टार्टिंग हुई ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर के आने से। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चोला आर्किटेक्चर है उसको कवर करेंगे, उसके अंदर चोला स्कल्पचर और चोला
जो टेम्पल आर्ट है जिसको हम ड्रेविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है उसको कवर करेंगे. ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज. सेव टाइम, सेव ट्रीज एंड एनरिच योर सेल्फ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल जॉइंट. हमारी आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो साउथर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको कम्प्लीट कर लिया था. इसमें अब हम कवर करेंगे चोला आर्ट, जिसके अंदर ड्रेविडन टेम्पल आर्किटेक्चर जिसको कहा जाता है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर था उसको ड्रेविडन टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है, और चोला आर्ट के स्कल्पचर है जो हम इसमें कवर करेंगे. यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट, लिंक हैज बीन गिवन डिस्क्रिप्शन बिलो. चोला आर्ट, ड्रेविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. जो चोला टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको ड्रेविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है. ये चोला रूलर थे, उनके पेट्रोनाइज में स्टार्ट हुई थी, और ये कंटिन्यूएशन है किसका, जो प्रीवियस थी इसके पल्लवा आर्ट थी उसका ही कंटिन्यूएशन है ये. ओके गाइस, इसके जो फीचर्स है वो देख लेते हैं हम. जो टेम्पल है वो सराउंडेड होता है बाय हाई बाउंड्री वॉल्स, मतलब कि जो नागरा टेम्पल है, नागरा टेम्पल में क्या होता था, जो बाउंड्रीज होती थी वो नहीं होती थी, और जो ड्रेविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल है उसमें बाउंड्री होती है. जैसे कि बीच में टेम्पल होगा तो उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होगी. ओके गाइस, फ्रंट वॉल हैज हाई एंट्रेंस गेटवे. जो फ्रंट वॉल होती है इसकी टेम्पल की उसमें हाई एंट्रेंस गेटवे होता है, उसको गोपुरम कहा जाता है. देखिए गाइस, ये फ्रंट वॉल है, जैसे कि पूरी एक वॉल है, उसकी जो फ्रंट वॉल है ये, उसके सामने ये एक एंट्रेंस है, इसको हम कहते हैं गोपुरम. पंचायतन स्टाइल, जो पंचायतन स्टाइल है उसी को फॉलो किया गया है इसमें. पंचायतन स्टाइल मैंने बताया था गाइस क्या होती है, सेंटर में जो होता है उसका मेन डीटी, जो मेन देव देवता होते हैं उनका टेम्पल होता है, और उसके चारों तरफ सब्सिडरी जो देवी देवता होते हैं, सब्सिडरी श्राइन होते हैं उनके, तो इसको कहते हैं पंचायतन स्टाइल. ओके गाइस, इसी को फॉलो किया गया है ड्रेविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में. देखिए ये जो है मेन टेम्पल है, और इसके साइड में देखिए ये है सब्सिडरी श्राइन. जो गुंबज होता है इसका वो कैसा होता था, स्टेप पिरामिड टाइप का होता था, जिसको विमाना कहा जाता है. ओके गाइस, ये देखिए ये स्टेप पिरामिड टाइप का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है विमाना. और नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर था जिसको नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है, उसी में इसको क्या कहा जाता है, शिकारा. ठीक है गाइस, शिकारा कहा जाता है, जो कैसा होता था, कर्व की तरह होता था. ठीक है, अपराइज्ड होता था और कर्व होता था इनवर्ट. ठीक है, ऐसा होता था, उसको कहा जाता था शिकारा. पर इसके अंदर शिकारा कहा जाता है जो एक क्राउंड एलिमेंट होता है विमाना के ऊपर, जिसका ऑक्टागन टाइप का शेप होता है, उसको कहा जाता है शिकारा ड्रेविडन स्टाइल में. ओके गाइस, ये जो है ये है शिकारा. और नॉर्थन जो स्टाइल थी उसके अंदर जो गुंबज होता था, ठीक है, उसको कहा जाता था शिकारा. याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा. ओनली वन विमाना, जो विमाना होता है, जो मेन टेम्पल का विमाना होता है, उसी के अंदर ही जो विमाना होता है, सॉरी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो देखिए, जो विमाना होता, सो मेन टेम्पल होता है, ठीक है, जो मेन डीटी का जो टेम्पल होता है उसके ऊपर ही विमाना मिलता है ड्रेविडन स्टाइल में. जो सब्सिडरी श्राइन है उसके ऊपर विमाना नहीं मिलता है. देखिए ये जो सब्सिडरी श्राइन है इसके ऊपर विमाना नहीं है, डायरेक्ट शिकारा बना दिया गया है. और नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिला है कि जो सब्सिडरी श्राइन है उसके ऊपर भी हमें विमाना, या कि कहा जाए तो नॉर्थन स्टाइल में शिकारा हमें देखने को मिलते हैं. देखिए गाइस, ये जो शिकारा है उसी को ही विमाना कहा जाता है, किसके अंदर, ड्रेविडन स्टाइल में, या फिर कह सकते हैं साउथर्न स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में. ओके, जो गुंबज होता है, असेंबली हॉल जो होता था वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता था गर्भगृह से, और उसको जिस ट्यूब से वो कनेक्ट होता था, जिस टनल से कनेक्ट होता था, उसको कहा जाता है अंतराला. ठीक है गाइज, और जो गर्भगृह होता है, जो मेन डीटी, गर्भगृह क्या होता है, मेन डीटी का जो रूम होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ही विमाना बनाया जाता है उसको कहते हैं गर्भगृह. ठीक है, गर्भगृह में के जो दरवाजा होता था, जो उसका डोर होता था, उसमें स्कल्पचर मिले हैं द्वारपाल के, वो होते थे मिथुन और यक्षाज, इनके स्कल्पचर मिले हैं एज अ द्वारपाल गर्भगृह के दरवाजे पे. ठीक है, ये मिथुन है और ये यक्षा की इमेज है. वाटर टैंक, ठीक है गाइस, याद रखिएगा, वाटर टैंक मिले, जो टेम्पल की बाउंड्री होती थी, ये बाउंड्री है और ये बीच में टेम्पल है, इसके साइड में यहाँ पर वाटर टैंक मिले हैं साउथर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या फिर ड्रेविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में. ये हमें नॉर्थर्न स्टाइल में देखने को नहीं मिलता है, या फिर नागरा स्टाइल में देखने को नहीं मिलता है वाटर टैंक. ये एक यूनिक फीचर है. ओके गाइज, याद रखिएगा. फैक्ट देख लेते हैं, जो बृहदेश्वर टेम्पल है, जिसको जो कि तंजौर में है, वो बिल्ड किया था राजा फर्स्ट ने 1011 AD में, और
गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल है जिसको बिल्ड किया था राजेंद्र फर्स्ट ने, और कौन से विक्ट्री सेलिब्रेशन में किया था, उन्होंने गंगेटिक डेल्टा पे जो विक्ट्री की थी उसके सेलिब्रेशन में ये टेम्पल बनाया था, गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, ये है वो टेम्पल। ओके गाइज, और ये टेम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर। ओके, चोला स्कल्पचर, स्कल्पचर में देखिए गाइस इसमें क्या है, सोला स्कल्पचर में जो टेंपल होते थे उसमें जो सजावट के तौर पे स्कल्पचर का बहुत ज्यादा यूज किया गया, उसमें बहुत ज्यादा फोर्स किया गया या फिर उस पर मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने प्रभाव दिया अपना। ठीक है, नटराजना और जो है तांडव पोजिशन में, जो नटराजा की इमेज होती है जो कि तांडव पोजिशन में होती है, वो एक इंपॉर्टेंट चोला स्कल्पचर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चोला स्कल्पचर भी कह सकते हैं आप इसको। अलियस्ट जो नटराजा स्कल्पचर होता है, जो नटराजा स्कल्पचर उसका अलियस्ट जो हमें देखने को मिला है अभी तक के जो हम जानते हैं जो हमें मिले वो देखने को मिला है हमें जो रवाना फाड़ी केव है अहिहोल, अहिहोल जो कि चालुक्य रूलर, लेट अर्ली चालुक्य रूलर में अहिहोल, अहिहोल कहाँ है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में अहिहोल में जो रावणा पाड़ी केव है वहां हमें अर्लिएस्ट नटराजना स्कल्पचर देखने को मिला है। ठीक है गाइस, ये है नटराजना स्कल्पचर जो कि अहिहोल केव के अंदर, अहिहोल जगह पे और रावणा फाड़ी केव में है, और ये रावणा फाड़ी केव है ठीक है कर्नाटका के अंदर अहिहोल। पर ये स्कल्पचर तो हमें अर्लिएस्ट देखने को मिला है नटराजा का, पर जो ये स्कल्पचर की आर्ट थी वो अपने पीक पर कब पहुंची, चोला एम्पायर के टाइम में। ओके गाइस, याद रखिएगा। फीचर देख लेते हैं नटराजना स्कल्पचर के, ये नटराजना स्कल्पचर है जो इसका अपर राइट हैंड है, अपर राइट हैंड यानी कि ये उसमें एक उन्होंने जो शिवा है, शिवा का स्कल्पचर है ये, उसने डमरू अपने हाथ में होल्ड कर रखा है, डमरू पकड़ रखा है, ये देखिए डमरू है, और क्या दिखाता है कि साउंड ऑफ क्रिएशन। ठीक है, जो इसमें ये बताता है कि जो भी क्रिएशन हुई है वो डमरू की साउंड से, डमरू की आवाज से पैदा होती है। ओके गाइस, अपर लेफ्ट हैंड देखिए, अपर लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड है, इसमें इन्होंने होल्ड कर रखा है शिवाजी ने इटर्नल फायर। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब कि इन्होंने बताया गया है डिस्ट्रक्शन को रोका नहीं जा सकता, इनविटेबल है वो, और काउंटर पार्ट है क्रिएशन का, अगर क्रिएशन हुआ है तो डिस्ट्रक्शन भी होगा। तो ये दोनों जो अपर हैंड है, राइट हैंड और जो लेफ्ट हैंड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीजें शो करते हैं। लोअर राइट हैंड में देखिए अभय मुद्रा, अभय मुद्रा एक होती है जैसे कि ये जो आशीर्वाद देने की जो मुद्रा होती है उसको कहते हैं अभय मुद्रा, ये रिप्रेजेंट करता है बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद, और रेश्योर करता है डिवोटीज को कि हमसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोअर लेफ्ट हैंड देखिए, ये जो हैंड है लोअर लेफ्ट हैंड है जो, ये पॉइंट करता है टुवर्ड्स अप्रेस्ड फूट, जो कि उठा हुआ एक पैर है उनका शिवाजी का, उसके तरफ पॉइंट करता है और इंडिकेट करता है कि ये एक रास्ता है किसका, सैल्वेशन का, मोक्ष पाने का रास्ता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो ईयर है शिवाजी के, या फिर कह सकिए जो शिवाजी की जो इमेज है इसके अंदर, वो अर्धनारीश्वर के तौर पे दिखाई गई है। अर्धनारीश्वर का पता कैसे चलता है कि जो एक ईयर में तो जो इयररिंग्स है वो मेल की है और दूसरे के अंदर फीमेल की इयररिंग्स है। ठीक है गाइज, ये देखिए फीमेल की है और ये मेल की इयररिंग है, जिससे ये अर्धनारीश्वर का रूप दिखाते हैं। एक स्नेक है जो शिवा के आंस में लिपटा हुआ है, ये देखिए स्नेक है, ये लिपटा हुआ है, और ये क्या सिंबलाइज करता है, क्या दिखाता है कि कुंडलिनी पावर। कुंडलिनी पावर क्या होती है कि ये हिडन पावर होती है जो कि ह्यूमन स्पाइन, जो रीढ़ होती है उसके अंदर, रीढ़ की हड्डी जो होती है स्पाइन कोड, उसके अंदर एक डोरमेंट मतलब कि एक्टिव स्टेज में नहीं होती है, मतलब ह्यूमन के अंदर होती है पर एक्टिव नहीं होती है। अगर ये अराउज्ड हो जाती है तो जो ह्यूमन होता है वो अपनी ट्री कॉन्शियसनेस में सही और गलत की समझ जो होती है उसमें आ जाती है वो अटेंड करने के बाद। ओके गाइस, कुंडलिनी पावर ये होती है। शिवा जो है एक ड्राफ्ट के ऊपर डांस कर रहे हैं, ड्राफ्ट मतलब जो बोना होता है, जो मतलब कि स्मॉल ह्यूमन होता है, ड्राफ्ट कहते हैं उसको, वो दिखाता है कि इग्नोरेंस और ईगो इंडिविजुअल का, वो जो इग्नोरेंस और ईडोल होता है वो ऐसी उसकी हालत होती है। ठीक है, तो इग्नोरेंस और ईगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो मैटेड और फ्लोइंग लॉक, ये जो है मैटेड और फ्लोइंग लॉक, ये डिनोट करती है जो रिवर गंगा का फ्लो है उसको डिनोट करती है। ये सराउंडेड बाय निम्बस, निम्बस होती है चमक, निम्बस ऑफ ग्लोइंग लाइट, ये देखिए ये जो है सराउंडेड बाय निम्बस ऑफ ग्लोइंग लाइट, ये क्या सिंपलाइज करती है, अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम, मतलब कि साइकिल जो टाइम की साइकिल है वो अनएंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगी। ओके गाइस, याद रखिएगा सारा मैंने बता दिया है कि क्या चीज क्या डिनोट करती है, और ड्रेविडन टेम्पल जो आर्किटेक्चर है उसको ही चोला टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है,
ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जो नेक्स्ट आर्ट है, जैसे कि विमाना आर्ट हो गई, नायका आर्ट हो गई, और विजयनगरा स्कूल की जो आर्ट है वो हम कवर करेंगे. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव ट्रीज एंड एनरिच योर सेल्फ. फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल जॉइंट. जो हमारी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही है उसमें हमने ड्रेविडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर था उसको कवर कर लिया था. इसके अंदर जो अदर साउथ इंडियन आर्किटेक्चर आर्ट है उसको कवर करेंगे, होयसला, विजयनगरा, नायका और वैशाला स्कूल ऑफ आर्ट. यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम अवर वेबसाइट, लिंक हैज बीन गिवन डिस्क्रिप्शन बिलो. अदर स्कूल ऑफ साउथर्न इंडियन आर्ट, होयसला स्कूल, ये मैसूर में डेवलप हुआ कर्नाटका में, और इसका टाइम पीरियड है 1050 AD to 1300 AD. यूनिक फीचर गाइज इसका देखिए, स्टार ग्राउंड प्लान जो होता है जिसको स्टेलेट प्लान भी कहा गया, ये इसका यूनिक फीचर है. ये देखिए, जो इसका प्लेटफॉर्म होता है वो स्टार की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसको स्टेलेट प्लान भी कहा जाता है. ये स्ट्रक्चर है, ये जो है स्टार की तरह होता है पूरा. ये देखिए, ये जो टेम्पल है पूरा स्टार के स्ट्रक्चर पे डेवलप हुआ है, और इसके हर पॉइंट पे एक श्राइन होता है, और बीच में होता है सेंट्रल ब्लड होल. मल्टीपल श्राइन है इसमें, और हर श्राइन के इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, मतलब जो कि डीटीज है, जो भी देवी देवता है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस और पावर दी गई है. ये नहीं कि कोई श्राइन छोटा है कोई बड़ा है, दोनों ही इक्वल है. और श्राइन है शिकारा, हर श्राइन के ऊपर शिकारा है, देखिए यहां पर भी है और यहां पर भी है, और ये इंटरकनेक्टेड है सेंट्रल होल से. जगती जिसको अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म कहा जाता है इस आर्ट के अंदर, ये जो प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा जिसपे टेंपल बना हुआ है इसको कहा जाता है जगती. और इंट्रिकेट कार्विंग मिलने को देखने को मिलती है दोनों ही साइड में वॉल के, जो टेंपल वॉल होती है उसमें इंट्रिकेट कार्विंग है दोनों ही साइड. इवन जो गॉड्स की ज्वेलरीज है उसमें भी कार्विंग देखने को मिली है, और जो वॉल्स और स्टेयर्स है टेंपल की उसको वो जिगजैग पैटर्न फॉलो करती है. देखिए, ये जो टेंपल है पूरा का पूरा एक जिगजैग पैटर्न बना रहा है, ये अंदर गया और ये बाहर आया, यहां से फिर अंदर है फिर बाहर है. ऐसे ही ये शिकारा को भी देखिए, ये बाहर है फिर अंदर है फिर बाहर है फिर अंदर है, तो एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है ये आर्ट. विजयनगरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें जो टेंपल की वॉल्स है वो हाईली डेकोरेटेड है, और जो इंक्लोजिंग वॉल है, सराउंडिंग वॉल जो है टेंपल की, वो बहुत बड़ी होती है. ये देखिए, विट्ठल स्वामी टेंपल है, और इसकी जो वॉल है, ये सराउंडिंग वॉल काफी बड़ी है, और जिसकी इस वॉल में जो गोपुराम होते हैं वो ऑल साइड देखने को मिलते हैं. जो विजयनगर स्कूल है उसमें गोपुराम, गोपुराम क्या होता है गाइस, गेटवे होता है, जो कि सराउंडिंग वॉल में जो वॉल होती है सराउंडिंग वॉल, उसके जो गेटवे होता है उसको गोपुराम कहा जाता है. उसमें ऑल साइड देखने को मिलता है. नॉर्मली क्या होता था जो अदर आर्ट्स है उसमें एक ही गोपुराम होता था, इसमें ऑल साइड में गोपुराम होते हैं. देखिए, ये एक गोपुराम है, ये रहा एक ये है, मतलब ऑल साइड गोपुराम इन विजयनगर स्कूल. और इसमें एक से ज्यादा मंडप देखने को मिलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट मंडप होता है सेंट्रल मंडप उसको कल्याण मंडप कहा जाता है. देखिए, ये एक मंडप है और ये रहा कल्याण मंडप, जो कि इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल मतलब सेंट्रल मंडप है और एक इंपॉर्टेंट मंडप है, उसको कल्याण मंडप कहा जाता है विजयनगर आर्ट के अंदर. इसमें सुपर नेचुरल हॉर्स के स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, और इस आर्ट के अंदर जो विजयनगर स्कूल है इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ सेकुलर बिल्डिंग इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है, सेकुलर बिल्डिंग मतलब किसी भी देवी देवताओं से रिलेटेड बिल्डिंग जो बनाना इस आर्ट में चालू हुई विजयनगर स्कूल में. और इसका एग्जांपल है लोटस महल, देखिएगा ये लोटस महल है जो कि हम्पी में है, इसमें कोई देवी देवताओं से रिलेटेड नहीं है, ये विजयनगर आर्ट में स्टार्ट हुई. और ये विट्ठल स्वामी टेम्पल की इमेज है जिसका हमने ये व्यू देखा. नायका स्कूल, ये नायका जो रूलर थे उनके अंडर में फ्लरिश्ड हुई, और इसका टाइम पीरियड था 16 टू 18 सेंचुरी के बिटवीन ये फ्लरिश्ड हुई, और जो फॉल हुआ था विजयनगर स्कूल के उसी के ऊपर ये रोज हुई, मतलब उसी में इसका राइज हुआ नायका स्कूल का. इसको मदुरई स्कूल के नाम से भी जाना जाता है. ये सिमिलर है ड्रेविडियन स्टाइल के, पर इसका स्कोप है, जो इसका वाइडरनेस है, मतलब जो इसकी सीमा है वो ज्यादा है, मतलब एक लार्ज स्केल पे इसका डेवलपमेंट हुआ कंपेयर टू ड्रेविडियन स्टाइल. और इसमें एक जो यूनिक फीचर है उसका है, वो है जो पासवेज है इसमें, जो एम्बुलेटरी पासवेज है वो रूफ्ड है गाइस, मतलब उसके ऊपर भी छत है. ये देखिए, ये जो पासवेज है इसमें रूफ है, ये एक रूफ है पूरी की पूरी, मतलब रूफ पासवेज, इसको प्राकर्म के नाम से भी जाया जाता है, जो परिक्रमा के लिए यूज किया जाते हैं, परिक्रमा जो करते हैं चक्कर लगा जाते हैं पूजा के टाइम पे, उसको वो उसको पासवेज कहा जाता है, एम्बुलेटरी पासवेज, ये प्रक्रम है. ठीक है, उसको इसके अंदर, इस आर्ट के अंदर प्रक्रम के नाम से जाना जाता है. और जो पोर्च या पोर्टिको होते हैं, जो पोर्च होते हैं, जो छज्जे होते हैं, उसमें प्लेट अप्रोच अपनाई गई है. ये देखिए,
ये पिलर है, पूरे के पूरे पिलर का यूज किया गया और काफी लंबे लंबे कॉरिडोर बनाए गए हैं, ठीक है गाइस। और इसमें लार्ज टैंक देखने को मिले हैं जिसमें चारों तरफ उसके स्टेप्स होते थे, और इसमें गोपुराम जो होते हैं, गोपुराम जो गेटवे होते हैं सराउंडिंग वॉल के, वो काफी बड़े देखने को मिले हैं इस आर्ट के अंदर। मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई है उसमें टॉलेस्ट गोपुराम है वर्ल्ड का, ठीक है। ये देखिए, ये जो ये गोपुराम मीनाक्षी टेम्पल का गोपुराम है और टॉलेस्ट गोपुराम है वर्ल्ड का। और इसके जो गोपुराम इसमें देखा जाता है, जो आर्ट ऑफ गोपुराम है वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गई नायका स्कूल के टाइम में, ठीक है गाइस। और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्व करके गोपुराम डेवलप हुए इस टाइम में। वैसारा स्कूल, इसको कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, ये फ्लरिश हुई लेटर चालुक्य के रूलर थे उनके टाइम में, और मिड 7th AD के टाइम में ये एस्टेब्लिश हुई। इसका जो यूनिक फीचर है वो है गाइस, ये हाइब्रिड स्टाइल है, याद रखिएगा, वैसारा स्कूल एक हाइब्रिड स्टाइल है जिसमें कंबाइंड फीचर देखने को मिलता है नागारा और ड्रेविडियन स्कूल के। इसमें इम्फेसिस क्या है, नागारा कौन सी थी, नॉर्थ इंडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। इम्फेसिस इसमें विमाना और मंडपों पर दिया गया है, मंडपा जो कि असेंबली हॉल होते थे जिसमें लोग बैठते थे पूजा के लिए, और विमाना शिकारा जो नॉर्थ इंडिया आर्ट में जिसको शिकारा कहा जाता है वही विमाना होते हैं साउथ इंड आर्ट में, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। ओपन एम्बुलेटरी पासवे है, जो पासवे है जो प्रदक्षिणा पथ करने प्रदक्षिणा करने के लिए वो कैसे है, ओपन है, ठीक है। पिलर डोरवे और जो सीलिंग है जो छत है वो डेकोरेटेड होते हैं, और उस पर कार्विंग, अच्छी खासी कार्विंग देखने को मिलती है इस आर्ट के अंदर। इसका यूनिक फीचर याद रखिएगा, हाइब्रिड स्टाइल है ये। डोडा बसप्पा टेम्पल ये इसका एक एग्जाम्पल है जो कि कर्नाटका में है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम सेव ट्रीज एंड एनरिच योरसेल्फ। फ्रेंड्स वेलकम टू द सिविल जॉइंट, जो हमारी आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने जो साउथर्न इंडिया के टेंपल आर्किटेक्चर के जो आर्ट थे उसको हमने कवर कर लिया था। इसमें हम जो इंडिया में अदर एरिया में जो आर्ट डेवलप हुई आर्किटेक्चर की उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि पाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था। यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम आवर वेबसाइट, लिंक हैज बीन गिवन डिस्क्रिप्शन बिलो। पाला स्कूल ऑफ आर्ट ये बंगाल रीजन में डेवलप हुई, पर्टिकुलरली देखा जाए तो बंगाल और बिहार में डेवलप हुई, और 8th century से लेकर 12th century AD में इसका डेवलपमेंट हुआ, और ये पाला डायनेस्टी और सेना डायनेस्टी के पैट्रोनेज में डेवलप हुई। पाला डायनेस्टी के जो मेन जो रूलर थे वो मोस्टली बुद्धिस्ट रूलर थे, और सेना डायनेस्टी एक हिंदू डायनेस्टी थी, और इस आर्ट के अंदर दोनों ही रिलीजन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और जो महायाना फेज ऑफ बुद्धिस्ट था उसमें इसका प्रचलन देखने को मिलता है, और बुद्धा और बोधिसत्व की इमेज मिली है जो कि महायाना फेज से रिलेटेड है। और इस बिल्डिंग के जो इस आर्किटेक्चर के जो बिल्डिंग है उनका जो रूफ होती है वो कर्विंग है और या स्लोपिंग है, ये देखिए ये जो बिल्डिंग है उसके जो रूफ है वो कर्व है और स्लोपिंग है, और इसको नाम आगे जाके पॉपुलर हुई ये आर्किटेक्चर किससे, जो ये स्लोप है वो हुआ बंगला रूफ के नाम से पॉपुलर हुआ, और आगे जाके इसको मुगल ने अपना आर्किटेक्चर में अडॉप्ट किया, ठीक है। बन ब्रिक और क्ले का यूज किया गया जिनको टेराकोटा ब्रिक्स भी कहा गया। स्कल्पचर जो है इसमें दोनों ही मिलते हैं, स्टोन से बने हुए भी और मेटल से बने हुए भी, ज्यादातर जो है वो स्टोन से बने हुए मिले हैं, और जो फिगर्स है स्कल्पचर के वो हाईली रस्टोरेस फिनिश है, मतलब बहुत ही चमकदार और अच्छे बने हुए। ये देखिए बोधिसत्व की इमेज है जो कि इस आर्ट से रिलेटेड है। टेम्पल इन साउथ ईस्ट एशिया, गाइस देखिए जो हमारा आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस था वो सिर्फ इंडिया में नहीं रहा, वो साउथ ईस्ट एशिया में भी उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, जो चोला एम्पायर कलिंग एम्पायर जो भी इंडियन एम्पायर थे उनकी जो सी की एक्टिविटी होती थी, समुद्र से रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी, जैसे कि उन कंट्रीज पे अटैक करना या ट्रेड करना, उससे क्या हुआ हमारा जो रिलीजन था वो उस पार्ट में भी जाके उस पार्ट में जो अर्थ का जो पार्ट है वर्ल्ड का साउथ ईस्ट एशिया का उधर भी गया, और मैनी हिंदू डायनेस्टी वहां पर भी एस्टेब्लिश हुई, ठीक है साउथ ईस्ट एशिया में। देखिए चंपा सिविलाइजेशन जो कि वियतनाम में एस्टेब्लिश हुआ, खेमेर एम्पायर इंडो चाइना में, इंडो चाइना है वियतनाम कंबोडिया लाओस के, इन तीनों के पार्ट को मिला के जो एक एम्पायर इंडो चाइना कहा जाता है उस एरिया को, उधर एक खेमेर एम्पायर नाम से एक एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, ये सारे हिंदू एम्पायर थे। और मजापहित एम्पायर जो कि जावा, जावा कहाँ है इंडोनेशिया में, जावा है वहाँ एस्टेब्लिश हुआ, ओके गाइज। ये किसकी वजह से, हमारा जो कल्चर का इन्फ्लुएंस था वो वहाँ एस्टेब्लिश हुआ और वहाँ हिंदू डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई। अंकोर वट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ये कंबोडिया में है गाइज, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वर्ल्ड लार्जेस्ट
हिंदू टेम्पल है ये, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। 800 टू 1300 एडी में इसका डेवलपमेंट हुआ, उस टाइम पे ये बना, और किसने बनाया था, खमेर रूलर्स ने, खमेर रूलर्स ने बनाया था, याद रखिएगा, ये अंगोर वट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। ये देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल का इसको खिताब मिला हुआ है। और इसको बनाना चालू किया था सूर्य वर्मन सेकेंड ने, और कंप्लीट किया इसको जय वर्मन सेवेंथ ने, ओके गाइस। और जो इसका आर्किटेक्चर है वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है किससे, चोला आर्किटेक्चर से, ओके गाइस, याद रखिएगा, स्टेटमेंट बन सकती है इसमें से भी, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइज ये देख लीजिए, ये जो बुद्धिस्ट साइट, बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट और जैन साइट्स है जो इंडिया के अंदर है, ये बुक के अंदर जो नितिन सिंघानी सर की बुक है उसके अंदर दे रखी थी, इनको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये दिलवारा टेम्पल है जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, विमल शाह ने इसको बनवाया था, और ये गुम मोनिस्ट्री हो गई वेस्ट बंगाल में है, रुमटेक मोनिस्ट्री सिक्किम में है, ऐसे आप इसको देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, इसमें से एमसीक्यूज निकल सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सेव टाइम, सेव ट्रीज एंड एनरिच योरसेल्फ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल जॉइंट में। हमारी जो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही थी उसमें हमने एंशंट आर्किटेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर हम मिडिवल आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स देखेंगे। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट, लिंक हैज बीन गिवन डिस्क्रिप्शन बिलो। आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया, मिडिवल इंडिया का आर्किटेक्चर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आर्ट। अरब ने जो सिंध का कन्क्वेस्ट किया था, जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट है, 712 एडी के अंदर अरब ने सिंध का कन्क्वेस्ट कर लिया था। 12th सेंचुरी एडी के टाइम तक आते आते दिल्ली का जो तख्त था उस पर एक इस्लामिक रूलर बैठ गया आके, और इसी के साथ एक नया आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, एक नया आर्किटेक्चर का जन्म हुआ, जो कि पर्शियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल थी जो आर्किटेक्चर की, उसका मिक्सचर था, और इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जाना गया, और इसको इंडो सारसेनिक आर्किटेक्चर भी कहा गया। ओके गाइस, फीचर्स देख लेते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के। इसको आर्क्यूरेट स्टाइल भी कहा जाता है, जिसने टेरेबेट स्टाइल को रिप्लेस किया। टेरेबेट स्टाइल एंशियंट इंडिया की इंडियन स्टाइल है, जिसको टेरेबेट स्टाइल कहा जाता है, और उसको आर्क्यूरेट स्टाइल ने रिप्लेस किया, जिसको इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर आर्चेस और डोम्स का ज्यादा यूज किया गया है आर्क्यूरेट स्टाइल के अंदर। इस दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं गाइस। जो एंट्रेंस होता था वो इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर लिंटल यूज की जाती है। लिंटल क्या होती है, एक बीम होती है या फिर एक स्लैब होता है जिसको टू पिलर पे टिका दिया जाता है, ठीक है गाइस। और आर्क्यूरेट स्टाइल के अंदर आर्चेस का यूज किया गया है, देखिए आर्च बना हुआ है पूरा का पूरा, और जो टॉप होता है उसमें शिकारा का यूज होता था इंडियन आर्किटेक्चर में, और इसके आने से डोम का, गुंबज का यूज किया जाने लग गया। मीनार्स जो थी टेरेबेट स्टाइल में एब्सेंट होती है और आर्क्यूरेट स्टाइल में प्रेजेंट है। मटेरियल जो यूज किया गया, मेनली स्टोन यूज किया गया इंडियन आर्किटेक्चर या टेरेबेट स्टाइल के अंदर, और आर्क्यूरेट स्टाइल के अंदर ब्रिक का यूज किया गया और लाइम और मोर्टर का यूज किया गया एज अ सीमेंटिंग एजेंट। इस स्टाइल के अंदर ह्यूमन और एनिमल फिगर को अवॉइड किया गया। हिंदू आर्किटेक्चर क्या था गाइस, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था, मतलब जो भी स्कल्पचर या डिज़ाइन होते थे टेंपल या आर्किटेक्चर के ऊपर या बिल्डिंग्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए थे, उनके बीच में स्पेस नहीं थी। इस्लामिक आर्किटेक्चर के आने से क्या हुआ, जो नए आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसमें स्पेस दिखने को मिली, स्पेसियसनेस आई उसके अंदर। इन्होंने कैलीग्राफी का यूज़ किया। कैलीग्राफी होती है गाइज, एक विजुअल आर्ट होती है रिलेटेड टू राइटिंग, मतलब जो राइटिंग होती है, वे ऑफ राइटिंग है, स्किल ऑफ राइटिंग को एज अ मतलब एक डेकोरेशन स्टाइल में यूज किया इन्होंने। कैलीग्राफी को मतलब डेकोरेशन में यूज किया, जो आर्ट ऑफ राइटिंग होती है उसको डेकोरेशन में यूज किया। ये देखिए, ये राइटिंग स्टाइल है, ये राइटिंग है, और उसको इन्होंने डेकोरेशन में यूज किया, इसको कैलीग्राफी आर्ट के नाम से जाना गया। अरबेस्क्यू डिजाइन का इन्होंने यूज किया। अरबेस्क्यू डिजाइन क्या होता है गाइस, एक ज्योमेट्राइज वेजिटल ऑर्नामेंट होता है। वेजिटल गाइस क्या होता है, मतलब सेल्फ उत्पत्ति या फिर सेल्फ बर्थ, एक कोई चीज है, सपोज करो कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट में से ही एक दूसरा प्लांट निकल रहा है, फिर उसी प्लांट में से तीसरा प्लांट निकल रहा है, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोसेस, ठीक है। इसी का इन्होंने यूज किया गया इस स्टाइल के अंदर। इसमें क्या होता था, एक स्टेम मतलब एक जो डाली होती है उसमें से ही दूसरी डाली स्प्लिट होती है रेगुलरली, और जो सेकेंडरी लीफ होती है स्टेम होती थी उसमें से ही थर्ड स्ट्रेम निकलती थी, और थर्ड स्ट्रेम जाके मेन स्ट्रेम में जाके मिल जाती थी। इस पूरी स्टाइल को कहा, जैसे कि सपोज करिए ये एक स्टेम है, फिर उसमें सेकंड निकल रही है, सेकंड में से थर्ड निकल रही है, और ऐसे ही निकलते निकल के ये पूरी थर्ड में जाके मिल जाती थी, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट निकली, उसमें सेकंड, सेकंड में से थर्ड ऐसे निकल रही है, और फिर
यहाँ पर आके ये इसमें फाइनल जो स्टेम होती थी उसमें मिल जाती थी। अरबेस्क्यू डिज़ाइन कहा गया इसको, आप बस ये याद रखिएगा अरबेस्क्यू डिज़ाइन का यूज़ किया गया इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर। और प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ये हर चीज़ को ज्योमेट्रिक तरीके से मतलब एकदम ताल मोल करके या फिर एकदम नाप तोल करके यूज़ किया गया, तो प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री का बहुत ध्यान रखा है इन्होंने। बिल्डिंग के अंदर जाली वर्क का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ये दिखाता है कि इस्लाम के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट की, मतलब इस्लाम धर्म के अंदर सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस दी गई किसको, लाइट को। ये देखिए जाली वर्क है, इसमें जाली के थ्रू जो लाइट पेनेट्रेट हो रही है बिल्डिंग के अंदर। वाटर कंस्ट्रक्शन किए गए प्रेमिस के अंदर कैसे, जैसे कोर्टयार्ड पूल, फाउंटेन, स्मॉल ड्रेन्स बनाए गए जिसका यूजेस होते थे, रिलीजियस भी होते थे, कूलिंग भी होते थे, कूलिंग मतलब जो बिल्डिंग को कूल रखे, और डेकोरेटिव यूज भी होते थे। ठीक है गाइस, तो वाटर कंस्ट्रक्शन होते थे प्रेमिसेस के अंदर फाउंटेन की तरह। और चारबाग स्टाइल का यूज किया गया गार्डनिंग के अंदर। ठीक है गाइस, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता था, एक स्क्वायर टाइप का जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है उसको चार पार्ट में डिवाइड करके चारों तरफ 1, 2, 3, 4 एक ही तरह के गार्डन बना दिए जाते हैं। ये देखिए ये चार पार्ट में इसको स्क्वायर को डिवाइड कर रखा है एक एरिया को, और चारों तरफ एक ही तरह के गार्डन बना रखे हैं। ये देखिए ये रियल पिक्चर है, फोर पार्ट्स में डिवाइड है और 1, 2, 3, 4 चारों सिमिलर है। ठीक है, इसको कहते हैं चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। पिट्रा डूरा टेक्निक का यूज किया गया इसको साउथ एशिया में, पंचिन कारी के नाम से भी जाना जाता है इस टेक्निक को। इसमें क्या होता है, जो प्रीसियस स्टोन्स या जेम होते थे उसको इनग्रेव कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था स्टोन वॉल्स के अंदर। देखिए गाइस ये पिट्रा डूरा टेक्निक है, ये वॉल के अंदर स्टोन्स और जेम्स को गाड़ के दिया गया है, इसको कहते हैं पिट्रा डूरा टेक्निक। फोर साइटनिंग टेक्निक का यूज किया गया, ये क्या होती है गाइस, इसमें क्या होती है जो भी इंस्क्रिप्शन है बिल्डिंग के ऊपर या किसी वॉल के ऊपर उसमें वो किसी भी एरिए से कितनी भी मतलब किसी भी प्लेस से देखने पर एक ही मतलब एक ही साइज की अपीयर होती है, मतलब या फ्रंट से देखो या फिर किसी 45 डिग्री एंगल से देखो, किसी भी एंगल से देखने पे वो सेम साइज की दिखाई देती थी। ओके, इसको कहते हैं फोर साइटनिंग टेक्निक। टेसलेशन आर्ट का या फिर इसको कह सकते हैं मोज़ेक डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है इसके अंदर। ये क्या होता है गाइज, एक ही शेप का रिपीटेटेड मतलब बार बार उसका यूज़ किया जाता है और बिना स्पेस छोड़े एक ही शेप को बार बार छापना या फिर बार बार बनाना, उसको कहते हैं टेसलेशन आर्ट। ये देखिए एक ही डिज़ाइन है, उसको बार बार यूज करके विदाउट स्पेस इसको बनाया गया है इसको। ये देखिए ये क्या होता है, जो गुंबज होता है उसके अंदर ज़्यादातर इस आर्ट का यूज़ किया गया। इसमें देखिए एक ही शेप को बार बार यूज करके बनाया गया विदाउट स्पेस, इसको कहते हैं टेसलेशन आर्ट। ओके गाइज, ये सब क्या थे, फीचर्स थे किसके, इंडो इस्लामिक आर्ट के, जो कि बाद में आके हमारे ही इंडियन कल्चर का पार्ट बन गए। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इंडियन कल्चर। और अब नेक्स्ट लेक्चर में गाइज हम देखेंगे किसको, सल्तनत जो थी दिल्ली सल्तनत के जो आर्किटेक्चर थे उसको डेवलप करेंगे, उनके काल में जो आर्किटेक्चर डेवलप हुए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव ट्रीज एंड एनरिच योर सेल्फ।